सप्राण अंग ही मेधस है। तो जो क्या है ब्रेन की जो जीवन है, चैतन्य काई की इच्छाएं जो हैं और जो उसकी आकांक्षाएं हैं, जो उसके विचार हैं, जो उसकी अपेक्षाएं हैं, उनके संकेत को ब्रेन ग्रहण कर पाता है ना, उसमें वो क्षमता है। इसको कह रहे हैं कि ऐसा में जिसकी अवस्थिति, जिसकी स्थिति सामान्यतः मानव के सिरोभाग में पाई जाती है। जीवस्त पुंज, जीवन पुंजस्त आशा विचार इच्छा रितंबरा तथा प्रामाणिकता, प्रमाण का प्रसारण, संकेत ग्रहण मेधस पर ही, और फिर वो संकेतों को ग्रहण भी करता है और संकेतों का प्रसारण भी करता है। तो दोनों, जब मैं कुछ चीजों को ग्रहण करता हूं और प्रसारण करता हूं, वो ब्रेन के माध्यम से करता हूं। जिसके अनंतर, जिसके बाद ही ज्ञानवाही एवं क्रियावाही प्रक्रियाएं हर मानव शरीर में पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में ज्ञानवाही और क्रियावाही चीजों की होने के लिए उसका जीवंत होना एक आवश्यकता है। क्रिया, आगे अपन देखेंगे कि क्रियावाही प्रक्रियाएं हम दूसरे जीवनों के माध्यम से भी कुछ समय के लिए बनाए रख पाते हैं, वेंटिलेटर, बहुत सारी अलग अलग स्थितियों में। बट ज्ञानवाही का प्रमाण तो जीवन की जीवंतता जब तक बनाए रहता है वहीं से पता चलता है, जो मानव परंपरा में परावर्तित होता है। और ये जो सारा ज्ञानवाही और क्रियावाही तंत्र है, इसका पर्पज क्या है कि ये परंपरा में व्यक्त हो पाता है। प्रसारण क्या है, पुंज क्या है, चैतन्य इकाई सहज, कार्य सीमा सहज जो आकार है उसे पुंज की संज्ञा है। जो राकेश गुप्ता जी ने बताया था कि जैसे एक रस्सी को आग लगा के यदि उसको घुमाते हैं तो वो एक जो पुंजाकार बनता है, ऐसे ही जब शरीर, जीवन जो है वो शरीर में पूरा चलता रहता है, उससे जो एक पुंजाकार बनता है ना, उसे पुंज की संज्ञा है। ऐसे पुंज के मूल में एक ही गठनपूर्ण परमाणु का अस्तित्व है, जिसमें आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति तथा मन की क्रियाएं दिखाई देती हैं। यदि मैं अपने में देखता हूं तो मैं पास देख पाऊंगा कि मैं बोलने से पहले किन शब्दों का चयन कर रहा हूं, है ना, क्या विश्लेषण हो रहा है, क्या उसके बीच, उसके मेरे में क्या चित्रण हो रहा है ना, क्या भाव है ना, ये सारी चीजें अपने में पता चलती हैं। प्रसारण क्या है, आशा विचार इच्छा रितंबरा एवं प्रमाणिकता सहज प्रमाणों के संकेत से मेधस तंत्र पर प्रभाव डालने वाली प्रयुक्त तरंग की प्रसारण संज्ञा है, जिसमें प्रत्याशा होना आवश्यक है। तो जितना भी प्रसारण करते हैं उसमें उस प्रसारण के पीछे कुछ आशा बनी रहती है। जैसे यदि मैं आप सबके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं तो मेरे में भी एक प्रत्याशा है कि ये बात आप तक ठीक ठीक पहुंच जाए, तो प्रत्याशा के की तो बनी ही रहती है ना। तो जो भी प्रसारण है ना, उसमें ये बात बनी रहती है कि प्रसारण जिस लक्ष्य से किया जा रहा है वो लक्ष्य सफल हो जाए। ग्रहण विसर्जन निग्रह अनुग्रह संग्रह एवं उदारता के भेद से ही समस्त सुख आकांक्षाएं हैं, है ना। ग्रहण क्या है, उपयोगिता के मूल्यांकन की ग्रहण संज्ञा है। विसर्जन अनुपयोगिता की विसर्जन संज्ञा है। निग्रह स्वसंयमता के, ये सब शब्द परंपराओं के हैं, है ना। ग्रहण विसर्जन तो हम फिर भी यूज करते हैं, निग्रह बहुत कम यूज होता है। तो स्वसंयमता की अर्थ में प्रवृत्ति। तो निग्रह क्या है, तो देखिए स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है। कई बार हम लोग भ्रमवश ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर तो कह रहे हैं कि हर मानव स्वतंत्र होना चाहता है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम स्वतंत्रता का मतलब कई बार अपने पुराने डिजाइन में ले लेते हैं। स्वतंत्रता का मतलब मनमानी नहीं है, है ना। स्वतंत्रता का मतलब है स्वयं के ज्ञान से नियंत्रित होकर के जीना, स्वयं से तंत्रित हो गए, स्वयं से ही नियंत्रित हो गए। जिसको कल साधन भाई ने भी कहा था कि जो बुद्धि की क्रिया है, जिसमें संकल्प है, संकल्प और उसके पहले, बुद्धि से पहले या साक्षात्कार के पहले जो चित्रण में इच्छाएं हैं उनमें परतंत्रता है। संकल्प का मतलब है कि स्वयं से मैं इस बात को स्वीकार पाता हूं कि किस चीज में सुख की निरंतरता है। अर्थात स्वतंत्रता का मतलब है कि सच्चाइयों की पहचान हो जाना और नियम पूर्वक मैं स्वयं से ही नियंत्रित हो जाता हूं, इसको स्वतंत्रता कह रहे हैं। तो यहां पर जो मैं पॉइंट आउट कर रहा था कि ग्रहण विसर्जन निग्रह, निग्रह माने स्वसंयमता, तो उपयोगिताओं का ग्रहण, अनुपयोगिता का विसर्जन और स्वसंयमता, निग्रह अनुग्रह संग्रह एवं उदारता के भेद से ही सारी शुभ आकांक्षाएं सुखाकांक्षाएं हैं। आशाएं आस्वादन के रूप में, विचार प्रसारण के रूप में, इच्छाएं प्रयोग एवं व्यवहार के रूप में, रितंभरा माने सच्चाइयों से जो भर जाता है बुद्धि,
वो दृढ़ता एवं निष्ठा के रूप में अर्थात संकल्प के रूप में व्यक्त है। यह क्रम से मन वृत्ति चित्त और बुद्धि से प्रदर्शित होने वाले गुण स्वभाव सहित क्रिया पक्ष है। इसको हम सभी अपने में इसको जांच सकते हैं, अर्थात मन से आशा, वृत्ति से विचार, चित्त से इच्छा और बुद्धि में अनुभव प्रमाण रितम भरा क्रियाएं हैं। तो जब आत्मा में जो अनुभव होता है इस बात का बुद्धि में बोध होता है, बुद्धि को पता चलता है ना। हर चैतन्य इकाई, ये भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हर चैतन्य इकाई दृष्टि संपन्न है। जड़ परमाणु मतलब हमारे में दर्शन क्षमता रहती ही है, हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता ही है, या दूसरी इकाइयां हमारे ऊपर प्रतिबिंबित होती ही हैं और हम उससे व्यंजित होते हैं, है ना। तो हर चैतन्य इकाई दृष्टि संपन्न है, बस इतना ही अंतर है कि वो दृष्टि अधूरी है या पूरी है, अर्थात केवल प्रियहित लाभ की है या उसमें न्याय धर्म सत्य भी समा गया है। जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य परमाणु होते तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जड़ परमाणु जब तक जीवन परमाणु में गठनपूर्ण परमाणु नहीं होता तब तक वह दृष्टि संपन्न नहीं है, अर्थात उसमें कोई दृष्टि नहीं है, इसलिए उसमें कोई क्रियाशीलता नहीं है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि भैया ये सारे परमाणु जड़ जगत के परमाणु गठन पूर्ण क्यों नहीं हो जाते, है ना। तो उनकी भाषा से ऐसे लगता है जैसे कि वो कुछ होना चाहते हैं, है ना। तो गठन पूर्ण होने के बाद मैपन है ना, गठनशीलता में ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, मतलब हाइड्रोजन का परमाणु, हीलियम का, लिथियम का, उसमें अपनी कोई चाहत हो, क्योंकि उसमें अपनापन नहीं है, मैं नहीं है, क्योंकि उसका गठन ही स्थिर नहीं हुआ है। स्थिरता के बाद ही ये जो मैं शब्द का बात शुरू होती है या मेरे में कुछ पाया जाता है, उसके पहले जो हो रहा है इसी को संपूर्णता कह रहे हैं। तो सारे निर्णय संपूर्णता में हो रहे हैं, अर्थात ऐसा नहीं होता कि सारा पदार्थ क्यों नहीं प्राण अवस्था में बदल जाता, क्योंकि ये कोई डिजाइन है जिसके तहत सारा क्रियाकलाप होता है। तो पूरी माने प्रकृति में, है ना, समूह माने संपूर्णता में निर्णय होते हैं, और व्यक्ति में जहां से मैं शुरू होता है, जहां क्योंकि अब गठन की निरंतरता हो गई है, गठन की पूर्णता हो गई है, यहां से मैं शब्द की शुरुआत होती है। इसके बाद उसमें फिर स्वयं के अध्ययन पूर्वक, वातावरण पूर्वक आगे की स्थितियां या श्रम से विश्राम की ओर गति होती है। तो अपने दृष्टि के द्वारा दृश्य को देखने हेतु दर्शक द्वारा प्रयुक्त क्रिया एवं प्रक्रिया ही दर्शन है। क्या बात है। तो हर मानव अपनी दृष्टि के द्वारा दृश्य को देखता है। हर दर्शक क्या दृश्य है, सहस्त्र रूपी दृश्य है, उसी क्रिया का नाम दर्शन क्रिया है। लेकिन चूंकि मेरे में पूरी योग्यता क्षमता नहीं रहती है सच्चाइयों को देखने की, तो भ्रमवश मैं ठीक ठीक दर्शन नहीं कर पाता हूं। तो यदि ठीक ठीक दर्शन कर पाता हूं तो जिसकी उपलब्धि अर्थात दर्शन की उपलब्धि समझ या ज्ञान के रूप में होती है। ज्ञान से ही स्व एवं परस्परता का निर्णय तथा अनुभव एवं अभिव्यक्ति है। तो ज्ञान पूर्वक ही अपना पता चलता है और मेरे साथ क्या क्या परस्परताएं हैं, माने प्रकृति भी है, दूसरे मानव भी जुड़े हैं, उनके साथ कैसे व्यक्त होना, ये पता चलता है। जागृत मानव में स्वयं होने का बोध व संपूर्ण अस्तित्व होने का बोध होता है। तो जैसे ही मैं हूं इसका बोध होता है और मेरी निरंतरता का बोध होता है, इसके साथ ही ये पता चलता है कि बाकी जीवन भी निरंतर हैं और बाकी जो प्रकृति भी है वो होने के रूप में निरंतर है, लेकिन उसमें एक क्रम बना हुआ है ना, व्यवस्था के अर्थ में पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था से जो रचना क्रम है, रचना विरचना क्रम, ये पता चलता है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उदाहरण अधिकतर देता हूं कि मैं अधिकतर लोगों से पूछता हूं कि कभी ऐसा हुआ क्या, माने कुछ लोग पूछते हैं कि मैं निरंतर हूं इसका कैसे पता चले। तो कई अर्थों में हम इस बात को देख सकते हैं। एक तो यह है कि मेरे में कुछ निरंतर चाहत है, अर्थात सुख की निरंतरता की चाहत है। जो निरंतर है वही निरंतर वस्तु ही निरंतरता को चाहती है। दूसरा, हम सब आप लोग जो हम सब बात सुन रहे हैं अभी, हम सब लोगों के शरीर के रूप में देखेंगे तो मेरा शरीर का जो आरएनए डीएनए है, है ना, या जो उसका वंशानुसंगीयता है शरीर की, वो अलग है आपके शरीर से। फिर भी मैं भी सुखी होना चाहता हूं, आप भी सुखी होना चाहते हैं, आप भी समझना चाहते हैं, मैं भी समझना चाहता हूं, आप भी न्यायपूर्वक न्याय अपने साथ भी चाहते हैं, दूसरों के साथ भी न्याय करना चाहते हैं। इन सब चीजों को पता लगता है कि यार यदि आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं तो ये चाहने वाले में कुछ तो कॉमन करेक्टरिस्टिक, ये चाह कौन रहा है, ये कोई कॉमन तत्व होना चाहिए। उसी कॉमन तत्व को मैं शब्द से या जीवन शब्द से इंगित कराया जा रहा है ना। और दूसरे, इसके अमृत के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं अधिकतर,
कि सब कई लोगों को जब बहुत डरावने सपने आते हैं, लेकिन मैं बहुत कम लोगों से ऐसे माने लोगों से मिला हूं, अधिकतर लोग देखे ऐसा पाया जाता है उनकी सपनों में कि वो मरने से बच जाते हैं। अर्थात कोई भी बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कार में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, डूब रहे हैं, वो समहाउ कहीं ना कहीं बच के निकल आते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बच जाते हो भाई? क्योंकि जीवन अमर है, आप मर ही नहीं सकते। फिर एक दो लोग मुझे मिले जो बोले भैया मैं मर गया था। मैंने कहा बताओ यार क्या हुआ? अरे भैया सडनली आंख खुल गई और पता लगा अरे बच गया बच गया बच गया, है ना। और किसी ने मुझे ये भी बताया कि भैया मैं तो मर गया था और मैं ये भी देखा कि मेरी लोग अर्थी लेके जा रहे हैं, है ना। तो मैंने उनसे पूछा अच्छा ये बताओ ये जो देख रहा था वो कौन था? तो उनका सडनली ध्यान गया यार ये देख रहा था तो देख तो मैं रहा था, इसका माने मैं तो मरा नहीं, तो फिर किसको मरना बोल रहे हैं? तो ये जो मेरा शरीर छूट गया, तो चूंकि अभी मैं इतना अधिक अपने को आइडेंटिफाई किए हूं, मेरी जो दर्शन क्षमता है इतनी अधूरी है कि मैं शरीर को ही मैं मानता हूं, इसलिए मुझे लगता है कि जब मेरा शरीर मर गया तो मैं जो देख रहा हूं कि लोग मेरे शरीर को लेकर के जलाने जा रहे हैं, फिर भी मैं जो दृष्टा हूं उसको मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरा जो शरीर मर गया ये मैं मर गया, है ना। तो जस्ट एक ऐसे ही है ना स्वप्न में भी मतलब मैं बना रहता हूं और भ्रमवश मैं ये कह सकता हूं कि मैं नहीं हूं, लेकिन इवन ये वाक्य बोलने के लिए कि अब मैं नहीं रहा, इसके बोलने के लिए इसके होने वाले की जरूरत है, अर्थात मैं हुए रहूं नहीं तो मैं बोल नहीं सकता। ऐसे एक तर्कसंगत विधि से हमें ये पता लगता है कि एक बार मैं हूं का बोध हो जाए तो फिर वो निरंतरता बनी रहती है। बढ़िया। तो चैतन्य काई स्वयं जीवन पुंज मन वृत्ति चित्त बुद्धि और आत्मा का अध्ययन है। हम स्वयं का ही अध्ययन कर रहे हैं, अपनी ही सच्चाइयों को जानने की बात कर रहे हैं। इसके पूर्व अमानवीयता और अतिमानवीयता का वर्गीकरण स्वभाव व व्यवहार भेद से किया जा चुका है। तो बाबा अपनी सारी बात को तीन ढंग से रखते हैं, है ना। एक है उसका तात्विक स्वरूप, जो अभी अपन ने बात की, किस तरह से वो गठनपूर्ण परमाणु है, कौन कौन से परवेश है, मध्य में आत्मा है, कितने कितने अंश है, ये बेसिकली तात्विक स्वरूप है। जैसे पानी का भी, हम पानी पीते हैं तो उसका तात्विक स्वरूप देखने जाएंगे तो H2O है ना। हाइड्रोजन का अंश है, ऑक्सीजन का है परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु है, 105 डिग्री पर जुड़े रहते हैं, उनमें परस्पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। लेकिन हम इस सबसे ज्यादा, बहुत सारे अधिकांश लोगों को इससे ज्यादा मतलब नहीं है। वो तो व्यवहारिक स्वरूप क्या है पानी का? पानी हमारी प्यास बुझाता है ना। तो इसके पूर्व में जब अमानवीयता अतिमानवीयता का वर्गीकरण किया था तो वो स्वभाव और व्यवहार भेद से किया था कि वो कैसा व्यवहार करता है, न्यायपूर्ण व्यवहार, समाधानपूर्ण व्यवहार, सत्यपूर्ण व्यवहार, है ना। उसका स्वभाव क्या है? धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। तो ये व्यवहारिक पक्ष है। और जो दूसरा पक्ष है वो तात्विक पक्ष है कि ये वस्तु स्वरूप में क्या है, ऐसा क्यों हो गया, है ना। इस तरह से इनके बीच में जो जोड़ने की कड़ी है उसका नाम है तर्क, है ना। तो तात्विक, व्यवहारिक और तार्किक, तीनों ढंग से इस दर्शन को रखा है। यही इसकी जबरदस्त खूबसूरती है कि आज के वैज्ञानिक युग में हम अपनों से जब तक तार्किक, क्योंकि विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि यदि देन में मानता हूं तो उसमें मानव में, विज्ञान ने मानव में तर्क क्षमता को पैदा किया। तो अब हम आस्था विधि से, ऐसा नहीं कि आस्थाएं गलत थी, लेकिन किसी ने दर्शन किया था उसको हम आस्था विधि से स्वीकार लेते थे, क्योंकि तर्क आने के बाद अब इसकी आवश्यकता बन पड़ी है कि हम तार्किक विधि से और अपने जीने में उसको तार्किकता में भी पहचान पाए और जीने में, व्यवहार में, आचरण में भी पहचान पाए और उसके तात्विक स्वरूप को भी पहचान पाए। क्योंकि इन तीनों की एक सूत्रता होने से ही किसी भी दर्शन की या किसी भी चीज के फैलाव की, लोक व्यापीकरण की निरंतरता की संभावना बनती है। तो इसके पहले जो अमानवीयता और अतिमानवीयता का वर्गीकरण स्वभाव और व्यवहारात्मक भेद से किया जा चुका है, मानव पांच श्रेणियों में परिलक्षित है, जिसको कहा कि अमानवीय मानव के दो वर्ग हैं, पशु मानव और राक्षस मानव। पशु मानव में दीनता प्रधान, पशु मानव में क्या है? दीनता प्रधान, हीनता एवं क्रूरता वादी कार्य व्यवहार होता है। और राक्षस मानव में क्रूरता प्रधान, दीनता एवं हीनता वादी कार्य व्यवहार होता है। ये कल मुझसे किसी ने पूछा था कि आगे अध्ययन आगे आया था हमारे पढ़ने में कि पशु मानव से राक्षस मानव अधिक विकसित है, है ना। तो ये बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि क्या अंतर है? राक्षस मानव क्रूरता प्रधान है तो पशु मानव में दीनता है, अर्थात मैं सुखी हो जाऊं इसके लिए वो दूसरों पर आश्रय होना चाहता है, आश्रित होना चाहता है, अर्थात अपने सुख के लिए भी वो चाहता है दूसरे कोई हमारे लिए काम करें। राक्षस मानव में क्या है?
क्रूरता प्रधान हो गई। क्रूरता का मतलब है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दूसरों के अस्तित्व को बलपूर्वक मिटाने में जो वैचारिक प्रवृत्ति है और जो शोषण कार्य है। लेकिन फिर विकसित किस अर्थ में है, क्योंकि यह अपनी जिम्मेदारी स्वीकार रहा है कि मैं अपनी जिम्मेदारी में सुखी होना चाहता हूं, है ना। तो सुख के लिए स्वयं प्रयासरत है, उसके लिए दूसरों के अस्तित्व को मिटाने में भी वो हिचकिचाता नहीं है। इस अर्थ में देखेंगे तो जो राक्षस है वो शोषण काम ज्यादा कर रहा है, अव्यवस्था ज्यादा फैला रहा है। लेकिन अधिक विकसित इस अर्थ में कह रहे हैं कि कई पशु मानव पर वो नियंत्रण भी कर पाता है। चूंकि यह शोषण कार्य कर रहा है तो विकास का, विकसित होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि विकसित होने का प्रमाण तो पोषण करने में है, दूसरों के पूरकता में है, दूसरों के संरक्षण करने में है। और दूसरी अच्छी बात यह कि क्रूरता प्रधान होने की वजह से ये स्वयं भी तृप्त नहीं है, इसलिए कैटेगरी तो दोनों ही हैं अमानवीय वर्ग में ही, है ना। तो दोनों ही अमानव हैं और इनमें राक्षसीयता की और पशुता की निरंतरता भी नहीं पाई जाती है, ये परिवर्तनशील है। वही एक व्यक्ति जो अपने बॉस के सामने पशु मानव की तरह गिड़गिड़ाता है, वही घर आने पर अपने से कमजोर, है ना, अपने अपने बच्चों पर या पत्नी पर या अपने से जो उसकी सबॉर्डिनेट्स हैं जिनको वो अपने से अधिक कमजोर पाता है, उनके ऊपर वो राक्षसीयता क्रूरता पूर्वक व्यक्त होता है। और वही व्यक्ति फिर जब अपने बॉस के सामने जाता है, तो कहने का मतलब ये दोनों ही अमानवीय वर्ग हैं। और इस बात की अपन ने अच्छे से चर्चा की थी कि अमानव क्यों कह रहे हैं भाई, क्योंकि देखने में पाएंगे तो भैया 99% लोग इसमें पाए जा रहे हैं, तो आप कैसे, कौन होते हैं इसको अमानव कहने वाले। तो अपन ने कल भी चर्चा की थी कि अमानवीयता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मानव जो चाहता है, उसकी जो चाहत है निरंतर सुख की, इस तरह के आचरण के द्वारा वो निरंतर सुख स्वयं अनुभव नहीं करता है, इसलिए ये सारा कार्य व्यवहार अमानवीयता की सीमा में आता है, है ना। जैसे एक और अच्छा उदाहरण मुझे लगता है कि जब मैं पूछता हूँ कि कितने लोग गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, तो अधिकतर लोग ये मानते हैं कि 80-90% से अधिक लोग गुस्सा करते हैं। तो फिर मैं पूछता हूँ क्या इसको मानवीय स्वभाव कहा जाए, क्योंकि अधिकतर मानव तो कर रहे हैं। तो समझ में आता है कि नहीं भैया, क्रोध करना, गुस्सा करना अमानवीय स्वभाव ही है। क्यों? क्योंकि जो कुछ, जो भी गुस्सा कर रहा है उसको स्वयं वो स्वीकार नहीं है, जिस पर गुस्सा होता है उसको तो स्वीकार है ही नहीं, है ना। और सारा गुस्सा अपनी अक्षमता का प्रदर्शन है, स्वयं पीड़ा का प्रदर्शन है। इससे पता लगता है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि, है ना, इसलिए इस स्वभाव नहीं है बल्कि अभाव की ही अभिव्यक्ति है। तो स्नेह का अभाव ही क्रोध के रूप में व्यक्त है, है ना, पूरकता का अभाव ही क्रोध के रूप में व्यक्त है। इस ढंग से देखेंगे तो ये पता लगता है कि पशु और राक्षस मानव दोनों ही अमानवीयता है। क्रोध, है ना, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, है ना, मद, लोभ, ये सारे के सारे अमानवीय ही, अमानवीयता के ही गुण हैं, लक्षण हैं, है ना। अधिकतर लोग करते हैं इसलिए मानवीय हो जाए ऐसा नहीं है। एक और इसी में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग ये बहुत कॉमन बोलते हैं कि टू इर इज ह्यूमन, है ना, ऐसा बहुत कॉमन है, ऐसा मानते हैं कि गलती तो मानव से होती ही है, जबकि अमानवीयता में भ्रम से गलती होती है। टू इर इज इनह्यूमन, है ना, टू डू राइट थिंग्स इज ह्यूमन, है ना, तो सही करना ही मानवीय है। क्योंकि यदि गलती करना ह्यूमन या मानवीय होता तो हम बोलते वाओ आज 4 गलती की, कल 10 करूंगा, है ना, तो ऐसा नहीं है। तो टू इर गलती करना हमारी मजबूरी है, बाध्यता है, ना समझी है। मानव तो सही ही करना चाहता है, इसीलिए हर बच्चा जिज्ञासु है, सही कार्य व्यवहार करना चाहता है। और यही अध्ययन की सारी सफलता भी है कि बच्चे को सही कार्य व्यवहार समझा जाए, समझाया जाए, बताया जाए, उसका अध्ययन कराया जाए, उस ऐसे जीते हुए आदमी मानव पाए जाएं, इस तरह की व्यवस्था को स्थापित किया जाए जहां गलती ना करना पड़े। गलती किसी भी मानव को स्वीकार नहीं है, क्योंकि गलती का फल दुख के रूप में आता ही है। तो विकसित होने से ये मतलब नहीं है कि वो कोई श्रेष्ठता तो दो ही वर्ग है, मानव पद ही श्रेष्ठ पद है। और मानव, अच्छी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि हर अधिक विकसित इकाई अपने से कम विकसित पर को पोषण कर पाती है, तो मानव इन दोनों का पोषण कर पाता है, पशु मानव का भी और राक्षस मानव का भी। तो कई लोगों को ऐसा भी कई बार सुनने में आता, भैया मैं मानव बन जाऊंगा तो जीऊंगा कैसे, है ना, क्योंकि उनको लगता है दूसरे उनका शोषण कर लेंगे। तो मानव का शोषण होना संभव नहीं है। यदि हमारा शोषण हो जा रहा है, इसका मतलब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या मैं वास्तव में, क्योंकि हम भ्रमवश अपने को मानव मान लेते हैं और फिर हम बोलते हैं हमारा लोगों ने एक्सप्लॉयटेशन कर लिया। ये दोनों घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती। तो मानव का शोषण करने की ताकत किसी भी उससे छोटे स्तर माने अमानवीय व्यक्ति के पास नहीं रहती है। मानव तो दूसरों का पोषण करने में समर्थ ही रहता है।
बढ़िया। तो तीसरा जो है, मानवीयतापूर्ण मानव को एक वर्ग में रखा है और मानवीय दृष्टि न्याय धर्म और सत्य और मानवीय विषय पुत्रेषणा वित्रेषणा और लोकेषणा है, जिसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। मानवीय स्वभाव धीरता वीरता और उदारता है ना, और मानवीय अति मानवीय मानव को पुनः दो वर्गों में रखा है ना। अति मानवीयता का इतना ही मतलब है कि जो जो व्यवस्था के अर्थ में क्रियाशील है ना, दया कृपा करुणा के साथ हैं, तो इसको पुनः दो वर्गों में रखा, देव मानव और दिव्य मानव। अति मानवीयतापूर्ण मानव की दृष्टि जो है विषय स्वभाव इस प्रकार है, देव मानव में धर्म प्रधान माने व्यवस्था प्रधान रूप में न्याय और सत्य, और उसका जो विषय है यश बल कामना। तो यश बल कामना देव मानवीयता का लक्षण है, अर्थात मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरा यश अर्थात सही आचरण की का यश दूर दूर तक फैले, लोग इस बात को पहचाने कि मैं मेरा परिवार या एक जो परिवार समूह किस ढंग से हम एक व्यवस्था पूर्वक दूसरों के साथ पूरक होते हुए जी पाते हैं, जिससे दूसरों को भी ऐसा जीने की प्रेरणा मिले, इस अर्थ में यश बल है। और तो जो स्वभाव है देव मानव का वो है धीरता वीरता उदारता है ना, वहां पर फिर संग्रह नहीं है बल्कि उदारता है। तो उदारता तथा दया प्रधान कृपा और करुणा पाई जाती है, कृपा कृपा करुणा भी है बट प्रधानता दया की है। और दिव्य मानव में यदि देखेंगे तो दृष्टि उसकी परम सत्य की है, विषय सह अस्तित्व रूपी सत्य है, और स्वभाव जो कल भी चर्चा हुई थी किसी ने पूछा था करुणा प्रधान है, पीड़ा प्रधान नहीं है। अमानव में पीड़ा से मुक्ति के लिए प्रयास है और मानव में धीरता वीरता उदारतापूर्ण अभिव्यक्ति है, और देव और दिव्य मानव में और दिव्य मानव में तो प्रधान रूप से करुणा प्रधान दया कृपा की जाती है ना। मतलब दूसरे भी कैसे जो मानव की मौलिकता है मानवीयतापूर्ण आचरण या सुख समृद्धि पूर्वक जीना, इसमें वो सफल हो जाएं, इसके लिए ही प्रयुक्ति है ना। तो ऊपर वर्णित जो पांचों श्रेणी के मानव अपने से अविकसित पर, मैं फिर से कह रहा हूं, अपने से अविकसित पर निरीक्षण परीक्षण एवं सर्वेक्षण पूर्वक व्यवहार और अधिकार करते हैं। अधिकार का बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन यहाँ पे परिभाषा लिखी है जो मुझे बहुत रोमांचित करती है। अधिकार का मतलब है अपने सही मंतव्य के अनुसार अन्य को गति एवं कला प्रदान करना और उसका उपयोग सदुपयोग तथा पोषण करने की क्षमता एवं योग्यता और पात्रता होना ही अधिकार है। शोषण करना कोई अधिकार नहीं है। तो दूसरों के अपने सही मंतव्य के अपने गलत मंतव्य के अनुसार उनको गति देना ये कोई अधिकार क्षेत्र का प्रमाण नहीं है। तो अधिकार को सार्थक अर्थों में डिफाइन किया है। उपरोक्त विधि से जागृति पूर्वक ही मानव अखंडता सार्वभौमता सह सूत्र व्याख्या संपन्न होता है, क्योंकि विकसित द्वारा बहुत ही गजब का सूत्र है, क्योंकि विकसित द्वारा अविकसित को प्रेरित करने का अधिकार होता है। क्या बात है, कितनी ब्यूटीफुल डिजाइन है। हर विकसित द्वारा अविकसित को प्रेरित करने का अधिकार होता है, जबकि अविकसित द्वारा विकसित का मात्र अध्ययन ही एक मिनट आगे सिट हो गया, मात्र अध्ययन ही संभव है ना। वो मतलब अविकसित उसका ना तो शोषण कर सकता है ना उसको मार्गदर्शन दे सकता है। उपरोक्त अनुसार विवेचना के आधार पर ही इस वैविधता से पीड़ित संसार के मूल में प्रत्येक मानव अपना भी जो शुरुआत किया था कि हर मानव अपना मूल्यांकन करना चाहता है, तो इसके आधार पर इस वैविधता से पीड़ित संसार के मूल में प्रत्येक मानव अपना भी मूल्यांकन करना चाहता है, क्योंकि स्वयं का मूल्यांकन यदि सही नहीं है तो उस स्थिति में अध्ययन के लिए आवश्यक सामर्थ्य को संजो लेना संभव नहीं है। जैसे एक रुपया के मौलिकता को पूरा पूरा समझे बिना दो एवं उसके आगे वाली संख्या की गति एवं प्रयोग नहीं है, एक रुपया के मूल्य को एक से 99 पैसे तक मूल्यांकन करने की स्थिति तक उस एक रुपया का पूर्ण मूल्यांकन ज्ञान उस इकाई में प्रादुर्भूत नहीं होता है। मुझे लगता है यहाँ पर रोकता हूं, इसको मैं फिर से पढ़ूंगा और शाम के सेशन पे इस पे और चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि यदि हम अपना ठीक ठीक मूल्यांकन, बाबा एक जगह लिख रहे हैं कि मानव यदि अपना सही सही मूल्यांकन कर लेगा तो गलती अपराध नहीं करेगा, फलतः दुखी और प्रताड़ित नहीं होगा। तो इसको अपन और समझेंगे है ना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप लोग इतना समय दे रहे हैं, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। फिर मिलते हैं है ना 3:30 से 4:30 बजे के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपने
सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें, है ना। मुझे लगता है कि हम सब एक अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं, समय का काफी अच्छा सदुपयोग या बातचीत कर रहे हैं। तो हमने बात की थी कि उपरोक्त अनुसार तो हर ये बहुत जरूरी है कि हम ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाए। क्यों? क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि यदि हम ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, जैसे एक रुपए की मौलिकता को भी यदि पूरा पूरा नहीं समझ पाते हैं तो दो रुपए का उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यदि हम एक रुपए को 90 पैसे के बराबर मानते हैं, इसका मतलब है कि हम 2 रुपए को 1 रुपए 80 पैसे के बराबर मानेंगे, है ना। इसलिए उसका ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। तो अपना भी अब ये तो अपने से कैसे जुड़ता है कि यदि हमने अपने को पहले ही समझदार मान रखा है ना। मुख्य बात यह है यहाँ पर अपना ठीक ठीक मूल्यांकन करने की क्यों जरूरत है कि अधिकतर लोगों से जब मैं बात करता हूं, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि उनको ये लगता है कि भैया वो तो सब समझते ही हैं और समझदार हैं इसीलिए ज्यादा परेशान हैं। तो यदि मैं अपने को समझदार मानता हूं और परेशानी का कारण समझदारी ही मानता हूं, तब तो हमें समझने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसका मतलब अपना ठीक मूल्यांकन नहीं कर पा रहे, क्योंकि समझदारी का प्रमाण तो सुखपूर्वक जीने में है, स्वयं के सुखी होने में है, दूसरों को सुखी करने के अर्थ में है। तो इन सब चीजों से पता लगता है कि अपना मूल्यांकन हमें ठीक करने की जरूरत है, है ना। तो यदि हम अपना मूल्यांकन ठीक कर पाएंगे और उसका जो तरीका है ना, उसको जो करने का तरीका है वो हमारे आचरण से ही सही सही मूल्यांकन हो पाता है। तो आचरण को ध्यान में देने की जरूरत है। तो सारे के सारे ज्ञान का, समझदारी का प्रमाण उसके आचरण से है। यहां पर इस बात को फोकस किया है कि स्वयं का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। एक मेरे ऊपर ये भी किसी ने सजेशन दिया था कि आप बहुत तेज गति से चल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आराम आराम से बात करें, और आपके यदि बीच में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उसको बीच बीच में मैं देखता रहूंगा और उसको उसको पर भी अपन बात कर लेंगे। तो अतः मानव को अपने विकास की दृष्टि से स्वयं का मूल्यांकन करना प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण कार्यक्रम सिद्ध हो जाता है, और यही ज्ञान अवस्था की विशेषता है, विशिष्टता है ना, कि वो अपना मूल्यांकन करने की क्षमता के साथ भी है और उसके इसके आगे विकास के लिए इसकी आवश्यकता भी है। अध्ययन यथार्थता, वास्तविकता, सत्यता के अर्थ में ही संपन्न होता है। सर्वप्रथम व्यापक वस्तु में समाहित संपूर्ण एक एक वस्तुओं का वर्गीकरण विधि से अध्ययन संभव हो गया है ना। तो क्या कह रहे हैं कि पूरे व्यापक में ही सारी इकाइयां एक एक हैं और उनको वर्गीकरण विधि से अध्ययन, क्योंकि हम एक एक, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि पानी का अध्ययन कर लेते हैं तो फिर पूरा पानी धरती में कहीं भी है तो धरती पर ही क्यों, चांद पर है, मार्स पर है, कहीं भी है, तो पानी का अध्ययन हो जाने से वो हमेशा के लिए हमारे लिए कहीं भी होगा, उसकी हम पहचान कर पाते हैं, है ना। जैसा कि मैंने अभी आपको वो H2O का इमेज जो दिखाने की कोशिश की थी उसकी फिर से चर्चा कर लेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि वर्गीकरण विधि से, तो क्या मोटा मोटा वर्गीकरण क्या किया, 4 वर्गीकरण किए, है ना, 4 क्लासिफिकेशन किए। पहला क्लासिफिकेशन, तो इसी को कह रहे हैं, यही 4 अवस्था और 4 पदों में है। पहला क्लासिफिकेशन जिसकी अपन कई बार बात कर चुके हैं, पदार्थ अवस्था। दूसरा वर्गीकरण किया प्राण अवस्था के रूप में, और तीसरा वर्गीकरण किया जीव अवस्था के रूप में, और चौथा वर्गीकरण किया ज्ञान अवस्था के रूप में। तो इन 4 अवस्थाओं में, 4 पदों में, है ना, प्राण पद, भ्रांति पद, है ना, इस तरह से देव पद, दिव्य पद, है ना, इसमें 4 पदों में और 4 अवस्थाओं में अध्ययन किया। क्रिया का अध्ययन विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति के रूप में बोधगम्य होने की व्यवस्था है। तो क्रिया का अध्ययन करते हैं तो पता लगता है कि हर क्रिया में श्रम, गति और परिणाम है। तो विकास क्रम के रूप में भौतिक रसायनिक रचनाएं दिखाई देती हैं, और क्वेश्चन बता है ना सम्यक भाई, मैं आप सपोर्ट कर रहे हैं तो बैठ सकते हैं। तो अध्ययन विकास क्रम, विकास के रूप में, जागृति क्रम, जागृति के रूप में, तो विकास गठनपूर्ण को विकास कह रहे हैं। तो रचनाएं प्राण अवस्था, विकास, विकसित जैसी लगती हैं, विकास के लक्षणों के साथ लगती हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो विकास नहीं है। आप बोलेंगे यार ऐसा कैसे कह रहे हैं, क्योंकि चूंकि प्राण अवस्था फिर से पदार्थ अवस्था बन जाती है, तो विकास का मतलब ही होता है कि जब उसके बाद वो पुनः उस स्थिति में वापस नहीं आती। ऐसी घटना गठनपूर्ण परमाणु के साथ ही होती है कि एक बार वो उस गठनपूर्णता को पा जाता है फिर वापस नहीं आता, इसलिए उसको विकास कहा।
और पदार्थ अवस्था से प्राण अवस्था और प्राण अवस्था से फिर पदार्थ अवस्था के बनने के क्रम को विकास क्रम कहा है ना, आवर्तनशील विधि से होता ही रहता है। तो इसी के साथ साथ जब वर्गीकरण विधि से अध्ययन कर रहे हैं तो चार अवस्थाएं चार पद में हम देख रहे हैं, इसी के साथ साथ रूप गुण स्वभाव और धर्म का अध्ययन होना आवश्यक है। तो किस आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं, पदार्थ को प्राण से भिन्न क्यों किया, क्योंकि उसके रूप के आधार पर उनके गुणों के आधार पर। तो पदार्थ में रूप प्रधान है, पेड़ पौधों को गुण प्रधान रूप में पहचानते हैं, पशु पक्षियों को स्वभाव प्रधानता में पहचानते हैं और मानव का अध्ययन धर्म प्रधानता के आधार पर होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि मानव धर्म तो सुख धर्म ही है मानव, एंड उस आधार पर ही मानव में एक रूपता या मानव जाति एक होने की पहचान होती है। तो रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन होना आवश्यक है। चारों अवस्था चारों पदों में स्पष्ट है, विकास का अध्ययन परम आवश्यक है। विकसित इकाई के रूप में जीवन का अध्ययन संपन्न होता है। तो जीवन का अध्ययन हो रहा है विकसित के रूप में, और जीवन में ही फिर जागृति क्रम और जागृति का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। ऐसे विकासात्मक अध्ययन में मात्र तात्विकता का वर्णन बोधगम्य न होने के कारण, अर्थात अनुमान करने योग्य स्वीकृति न होने के कारण तर्क की सहायता आवश्यक, क्योंकि हम इस तरह की जब विकास का अध्ययन करते हैं तो तात्विकता चूंकि आंखों से दिखाई नहीं देती तो हमें तर्क की सहायता लेनी पड़ती है ना, समझने के लिए तर्क की सहायता आवश्यक है। यहाँ तर्क की आवश्यकता इसीलिए प्रतीत होती है और नियोजित की गई है कि वांछित अर्थात जो मैं पाना चाहता हूँ कि कल्पना पहले से साधक में है ना, जो साधना कर रहा है साधक, साधना कर रहा है किसी साध्य को पाने के लिए, क्या साध्य है, ईष्ट उसका साध्य, क्या ईष्ट है, सुख शांति संतोष आनंद उसका ईष्ट है। तो इस तरह से हर साधक किसी साध्य को पाने के लिए साधना करता है और उसके लिए अपने साधनों को प्रयोग करता है, और साधन यहाँ पर है ना, साधन क्या है, तन मन धन ही मेरा साधन है। इस तरह से इन सच्चाइयों की तर्क पूर्वक पहले ही कल्पना साधक में स्पष्ट हो जाए, पूर्व अभ्यास के रूप में प्रतिष्ठित करना ही इसका उद्देश्य है। ये जो जो पैराग्राफ है आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, और किसी ने मेरे से पूछा भी था कि भैया अध्ययन प्रक्रिया के बारे में बात होनी चाहिए, ये पूरे अध्ययन प्रक्रिया को या कैसे हम अपने में है ना अध्ययन पूर्वक जीने में कैसे ये बात को आता है, इसका डिटेलिंग की गई है। कुछ साउंड हो रही है, हमिंग साउंड आ रही है, एक मिनट इसको हटा देते हैं। अभी देखिए आवाज ठीक है, तो अभी आएगी थोड़ी देर बाद है ना। तो सर्वप्रथम, तो सबसे पहला काम क्या होता है, सर्वप्रथम अध्ययन, द्वितीय स्थिति में प्रयोग और अभ्यास। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले अध्ययन की पूरी प्रक्रिया क्या है, पहले सूचना आएगी, तो अध्ययन में कई है ना इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट समाये हुए हैं, तो पहले सूचना आएगी, द्वितीय स्थिति सूचना के बाद उसमें तर्क आएगा, तर्क में यदि मुझे वो स्वीकार होती है तो मेरे जीने में उसकी प्रायोरिटी बनती है। तो द्वितीय स्थिति में फिर प्रयोग और अभ्यास, इसलिए ऐसा बार बार कहा जाता है कि हमें अध्ययन करते समय बहुत अधिक प्रयोग और अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, अध्ययन माने एक लेवल का तर्क तृप्ति होने की जरूरत है, स्पष्टता आने की जरूरत है, उसकी द्वितीय स्थिति में प्रयोग और अभ्यास है, तृतीय स्थिति में क्योंकि प्रयोग करने से अनुभव और प्रमाण प्रमाणित होना ही उपलब्धि और सार्थकता है। इस तरह विकास और जागृति संबंधी अध्ययन मानव कुल के लिए अथवा मानव कुल सुरक्षित रहने के लिए परम आवश्यक है। सभी मानव में समझदारी की प्यास है ही, यही पात्रता सर्व मानव में होने का प्रमाण है। इसे तर्क संगत विधि से अर्थबोध सहित है ना, तर्क संगत विधि से अर्थबोध सहित स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य को बोधगम्य अध्ययनगम फलता अनुभवगम्यता को प्रमाणित करने की स्थिति। अच्छा ओ ठीक है, इसको लगाऊं फिर बाद में, क्या जरूरत नहीं है, आवाज ठीक आ रही, बढ़िया। तो वस्तुगत सत्य को बोधगम्य अध्ययनगम फलता अनुभवगम्यता को प्रमाणित करने की स्थिति समीचीन है, यही अध्ययन का मतलब है। तो क्या कह रहे हैं कि चूंकि हर मानव समझना चाहता ही है, इसको तर्क संगत विधि से अर्थ बोध सहित स्थिति सत्य, जिसको हम कह रहे हैं व्यापक, व्यापक ही स्थिति सत्य के रूप में, स्थिति पूर्ण के रूप में है, और वस्तुगत सत्य माने कि हर इकाई जैसे पदार्थ प्राण जीव अवस्था ज्ञान अवस्था और उसकी कोई वस्तु स्थिति सत्य है कि आज की स्थिति क्या है ना,
इन सबको बोधगम अध्ययनगम फलता अनुभव गम्यता को प्रमाणित करने की स्थिति समीचीन है, मतलब हर समय रहती ही है, और यही अध्ययन का तात्पर्य है। मानवीयता पूर्ण मानव व्यवस्था सहज रूप में होने के आधार पर निश्चयन और ध्रुवीकरण हुआ। तो मानवीयता पूर्ण मानव व्यवस्था सहज रूप, तो मानवीयता पूर्ण मानव का क्या मतलब है कि उसमें व्यवस्था के आधार पर हम मानवीयता को पहचान रहे हैं, है ना। तो मानवीयता पूर्ण मानव से कम विकसित पशु मानव और राक्षस मानव का व्यवस्था में जीना संभव नहीं हुआ, यह समीक्षित हो चुका है। तो ये तो हमें पता लगी गया है कि पशु मानव और राक्षस मानव, है ना, व्यवस्था पूर्वक नहीं जी पाते हैं। आज की जो हम पूरी मानव जाति में प्रकृति के साथ जो अव्यवस्था को देख रहे हैं, और मानव मानव के बीच में संबंधों में जिस अव्यवस्था को देख रहे हैं, और मानव में स्वयं में जो पीड़ा है उसमें स्वयं में एक अंतर्द्वंद है, इससे पता लग रहा है कि अमानवीयता में या भ्रमित मानव में या मानवीयता से कम में, कम विकसित में व्यवस्था में जीना संभव नहीं हो पाता है। मानव से श्रेष्ठ देव मानव और दिव्य मानव है जो जागृति पूर्ण है, अनुभव प्रमाण के रूप में जागृत मानव परंपरा में सार्थक सिद्ध हुई। जागृत परंपरा में मानवीयता पूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में स्पष्ट होता है, अनुभव प्रमाण परिवार व्यवस्था और विश्व परिवार व्यवस्था में प्रमाणित होता है, यह परम आवश्यक है ही। उक्त विधि से व्यवहार के सभी आयामों में मानवीयता को पहचानना, मूल्यांकित करना और व्यवस्था में मानवीयता सहित अनुभव प्रमाणों को पहचानना और प्रमाणित करना सह अस्तित्व दृष्टिकोण से तो अभी कैसे संभव हो गया, क्योंकि हमारे पास एक सह अस्तित्ववादी दृष्टिकोण आने से ये संभव हो गया है कि हम मानवीय व्यवस्था को पहचान पाए और अनुभव संपन्न व्यक्ति या मानवीय व्यवस्था के मापदंड क्या होते हैं इसको हम पहचानने के योग हो गए। ये और ये पता लग रहा है, अब हम भाषाकरण कर पा रहे हैं कि हम बेसिकली हारमोनी को खोज रहे हैं, परस्पर पूरकता को चाहते हैं, सहअस्तित्व में जीना ही सुखप्रद है और मेरी सुख की निरंतरता इस तरह से अनुभव संपन्न होने से, ज्ञान संपन्न होने से, समझदार बनने से और फिर उस समझदारी को अपने आचरण में व्यक्त कर देने से हम व्यवस्था को प्रमाणित कर पाते हैं। तो दिव्य मानव का विषय जो है वो परम सत्य रूपी सहअस्तित्व है, सत्ता सर्वत्र एक सा विद्यमान है, संपूर्ण अस्तित्व में जड़ चैतन्य प्रकृति कार्यकलाप सदा सदा है ही। तो सत्ता अर्थात व्यापक, है ना, शून्य, आकाश, अवकाश, जो भी हम नाम दें, यदि हम वस्तु पहचान गए तो नाम देना अपना यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नामकरण करने का अधिकार मानव के पास है, वस्तु को पैदा करने का अधिकार मानव के पास नहीं है। तो नाम आप देखेंगे, है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत सारे नए नए शब्दों को बोलते हैं। जैसे मुझे याद है मेरा बेटा जब छोटा था, सम्यक जो भी यहाँ पर बड़ा हो गया है मेरे साथ है, तो वो मम्मम डेब डेब बोलता था, है ना। अब हमें ही समझ में आता था मम्मम डेब डेब का क्या मतलब है, तो उसका मम्मम का मतलब होता था पानी और डेब डेब का मतलब होता था चावल। तो कहने का मतलब है कि एक बार वस्तु को मैं समझ जाऊं, या जब मैं दो वस्तुओं में डिफ्रेंसिएशन को पहचानता हूं, उनको अलग अलग पहचानता हूं, तो नामकरण करना मानव की मौलिकता है, है ना। इसीलिए एक ही वस्तु का, उसी पानी का, है ना, जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, और जापानी में कुछ और बोलते हैं, इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, ऐसे कई नाम है। वस्तु एक बार पहचानने में आ जाए तो सत्ता या व्यापक को हम शून्य के, एक बार समझ में आ जाए किस बात को कह रहे हैं, फिर हम शून्य कह सकते हैं, आकाश कह सकते हैं, और भी बहुत सारे नामकरण किए जा सकते हैं। तो सत्ता कैसी चीज है जो सर्वत्र एक जैसी विद्यमान है, इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं दिखाई देता। हम अपने जब से हमारा हमने होश संभाला है, हम देख रहे हैं जो व्यापक स्पेस है हमारे चारों तरफ, इसमें हमें कोई परिवर्तन दिखाई दिया हो, है ना, ऐसा दिखाई देता कि हर समय सर्वत्र एक जैसा बना रहता है। और संपूर्ण अस्तित्व में जड़ चैतन्य प्रकृति कार्यकलाप सदा सदा है ही, तो जड़ चैतन्य प्रकृति का कार्यकलाप अस्तित्व में बना ही रहता है। इससे ज्ञात होता है कि हर क्रिया के मूल में प्राप्त सत्ता हर स्थान में विद्यमान है, इसीलिए दिव्य मानव भी अनेक संख्या में होने की संभावना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये कोई किसी व्यक्ति विशेष का, स्थान विशेष का प्रीरोगेटिव नहीं है कि यहां पर ही दिव्य मानव होंगे, है ना, या भारत में ही होंगे, अमेरिका में नहीं हो सकते, या किसी और धरती पर, ब्रह्मांड में धरती होगी तो वहां नहीं हो सकते। क्यों?
क्योंकि मूल रूप में जो सत्ता है जिसकी जिसमें होने से इकाई क्रियाशील है और प्रेरणा संपन्न है ना, जागृति के लिए, विकास के लिए, इसलिए दिव्य मानव भी अलग अलग स्थानों पर अनेक होने की संभावना बनी हुई है। सत्ता सर्वत्र एक जैसा भासमान है ना, एक जैसा देखने में आता है, भाषा के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। सत्ता सर्वत्र एक जैसा बोधगम है इस पृथ्वी पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पृथ्वी पर कहीं भी अर्थात किसी स्थान पर भी स्थित मानव यदि दिव्य मानवीयता से संपन्न हो जाते हैं, उस स्थिति में उन सब में समान अनुभूति प्रमाणित होती है। तो ये जो पहले भी बात आई थी कि मैंने तो तप नहीं किया है ना, जो रवीश भाई ने पूछा था है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी अनुभव में जो भी अनुभव करता है किसी भी स्थान पर स्थित हो, यदि वो दिव्य मानवीयता से संपन्न हो जाता है, उस स्थिति में उन सब में समान अनुभूति प्रमाणित होती है। और वह उसका प्रमाण क्या है, अविकसित मानव के लिए समान रूप से प्रेरणा स्रोत होते हैं। इसी आधार पर सर्व मानव को सर्वत्र सहस्तित्व समझ में आना अध्ययन विधि से स्पष्ट होता है, क्योंकि अनुभव में विविधता हो जाए तो फिर वो अनुभव ही नहीं है, है ना। ज्ञान अवस्था में पाए जाने वाले भ्रमित मानव के मन में चयन और आस्वादन क्रिया, वृत्ति में विश्लेषण क्रिया और तुलन क्रिया, प्रियहित लाभ के अर्थ में ये जो अपनी स्वयं चर्चा हुई, और चित्त में चित्रण क्रिया या शरीर मूलक विधि से संपादित होती है, ये कार्यकलाप पूर्ण सक्रिय हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मानव में ये जो देव मानव, दिव्य मानव, देव मानव और मानव में, है ना, यहाँ पे बहुत क्लियर हो जा रही है बात जो रवीश भाई भी पूछ रहे थे कि इन तीनों में ही आत्मा में होने वाले अनुभव प्रमाण सहित प्रथम प्रवेश माने बुद्धि के कार्यकलाप पूर्ण सक्रिय हो जाते हैं, फलस्वरूप जीवनगत सभी क्रियाएं अनुभव मूलक क्रियाकलाप सहित प्रमाणित होते हैं। तो जो जो भ्रमित मानव में सिर्फ मन वृत्ति और चित्त में चित्रण पक्ष जागृत है, देव मानव, मानव और दिव्य मानव में जो आत्मा और बुद्धि पूर्ण सक्रिय हो जाते हैं, इस अर्थ में सभी क्रियाएं अनुभव मूलक हो पाती है। प्रेरणा पाने की क्षमता हर परमाणु में निहित अंशों में है ही, क्योंकि संपूर्ण अंश सत्ता में संपृक्त है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हर छोटे से छोटा अंश जो है वो निरंतर क्रियाशील है। क्यों क्रियाशील है, क्योंकि वो व्यापक में उपलब्ध प्रेरणा को स्वीकार कर रहा है। इसी को प्राणमय कोष के नाम से भी हमने जब सृष्टि दर्शन में पढ़ा था, अन्नमय कोष और प्राणमय कोष, तो प्राणमय कोष क्योंकि प्रेरणा, क्या प्रेरणा है भाई इस अंश को, तो जैसे अभी अपन ने देखा था हाइड्रोजन में जो दो अंश हैं, है ना, तो दोनों अंश एक दूसरे के साथ एक निश्चित दूरी में आके एक निश्चित आचरण को देते हैं। इससे पता लगता है कि इनमें व्यवस्था को प्रमाणित करने की प्रेरणा, है ना, बनी ही रहती है। क्यों बनी हुई है, क्योंकि संपूर्ण अंश सत्ता में या व्यापक में या ईश्वर में या परमात्मा में, है ना, या निरपेक्ष ऊर्जा में डूबे भीगे और घिरे हैं या सत्ता में संपृक्त हैं। ज्ञान अवस्था की चैतन्य इकाई का जड़ शरीर प्रत्याशा के फल को शब्द स्पर्श रूप रस गंधेन्द्रियों द्वारा पाए जाने वाली प्रवृत्तियों में से पुष्टि पक्ष को ग्रहण करता है। अब बात आती है, हम जो खाना खाते हैं, हम जो बोलते हैं, जो स्पर्श करते हैं, इन सारी इंद्रियों से शरीर को तो न्यूट्रिशन मिल जाता है, मुझे क्या मिलता है। तो ज्ञान अवस्था की चेतन इकाई का जड़ शरीर प्रत्याशा के फल को शब्द इन ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा पाई जाने वाली प्रवृत्तियों में से पुष्टि पक्ष को ग्रहण करता है ना। इन प्रवृत्तियों में जो कला पक्ष और ज्ञान पक्ष है, उसका आस्वादन सुख के रूप में चैतन्य पक्ष ही करता है। तो न्यूट्रिशन वाला पक्ष तो शरीर को मिल जाता है, इसमें जो कला पक्ष और ज्ञान पक्ष है, अर्थात हम जब भोजन कर रहे हैं तो उसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, उसमें कितनी सुंदरता से सजाया गया, इसका जो आस्वादन उसी सलाद को, है ना, जब हम बहुत अच्छे से प्लेट में सजाते हैं उसी भोजन को, उसमें जो कला पक्ष है ना, और उसके पीछे जो ज्ञान पक्ष है, उसका आस्वादन तो शरीर को नहीं होता है, उसका आस्वादन तो सुख के रूप में चैतन्य पक्ष ही करता है। और चैतन्य पक्ष के जागृति का जो कारण है उसे संस्कार संज्ञा है। कोई कमेंट्स हैं ऐसे कुछ जिस पे फोकस करना है? नहीं, बढ़िया। तो आपके कोई कमेंट्स हो तो आप बता सकते हैं, मतलब कोई भी क्वेरी हो तो उसको अपन ले लेंगे। तो अब बात आ रही है भाई, चैतन्य पक्ष में जागृति का कारण क्या है। भाई जागृति का जो कारण है उसी को कह रहे हैं संस्कार। क्या चीज है संस्कार, इसकी हम लोग काफी, है ना, इस शब्द को सुनते ही आए हैं, है ना,
कि हमें संस्कारित होना है। तो संस्कार का मतलब क्या है? तो बहुत ही ब्यूटीफुल डेफिनेशन यहां पे संस्कार की दी है। संस्कार क्या है? पूर्णता के अर्थ में स्वीकृतियां ही संस्कार हैं, यही मानव का प्रारब्ध है। या प्रमाणित होने के लिए पहले से जो समाधान के अर्थ में प्राप्त है वह संस्कार है, क्योंकि जब संस्कारित होते हैं उसको फिर प्रमाणित करते हैं। तो प्रमाणित होने के लिए समाधान या के रूप में संस्कार होना जरूरी है, अदरवाइज प्रमाणित नहीं हो पाते हैं। अर्थात जैसे फल परिणाम चाहिए वैसे रिजल्ट आते नहीं है, उसको कहेंगे कि हम प्रमाणित नहीं हो पा रहे। समाधान के अर्थ में ज्ञान विज्ञान विवेक ही प्राप्त रहता है। और क्या प्राप्त रहता है? ज्ञान विज्ञान और विवेक। पूर्णता के अर्थ में, और दूसरी संस्कृति की परिभाषा है, पूर्णता के अर्थ में कृतियों को साकार करने में क्रियाकलाप सहित प्रवृत्तियां और समझदारी ही संस्कार है। तो जो पूर्णता के अर्थ में माने व्यवस्था के अर्थ में, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में, समाधान के अर्थ में, समृद्धि के अर्थ में, जो भी कृतियां को साकार करने में जो भी क्रियाकलाप और प्रवृत्तियां हैं इसी इस और जो समझदारी है इसको संस्कार कह रहे हैं। और उसके ऊपर कह रहे थे जड़ पक्ष के परिणाम का जो कारण है उसको अध्यास या वंशानुक्रम संज्ञा कह रहे हैं, है ना, जो गठन पूर्णता तक या पदार्थ और प्राण अवस्था में पाई जाती है। जो मानव में चैतन्य में जो संस्कार पाया जाता है वो पूर्णता के अर्थ में स्वीकृतियां ही है। पूर्णता के अर्थ में कायिक वाचिक मानसिक कृत कारित अनुमोदित विधि से की गई कृतियां संस्कार है। तो पूर्णता के अर्थ में चाहे हम कायिक रूप में करें, वाचिक रूप में करें, मानसिक रूप में करें, किस तरह से मानव कर्म करता है, कर्म दर्शन में इसकी और डिटेलिंग में चर्चा आती है, है ना, कि कायिक वाचिक मानसिक और कृत कारित अनुमोदित, मैं खुद करता हूं, करवाता हूं या दूसरे करते हैं उसका अनुमोदन करता हूं, सपोर्ट करता हूं। प्रारब्ध का क्या मतलब है भाई? जो जितना जान पाता है उतना चाह नहीं पाता, जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता, जितना कर पाता है उससे जो फल आता है उतना भोग नहीं पाता, और जितना भोगा नहीं जाता वही प्रारब्ध है, है ना। तो जो प्रारब्ध को का जिसको हम फल के रूप में, कर्म फल सिद्धांत के रूप में भी बात करते हैं या जो भाग्य के रूप में भी लोग बात करते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि जो जितना जान पाता है, जैसे हम जान सकते हैं पूरे अस्तित्व को, सह अस्तित्व को, ब्रह्मांड को, है ना, और चाहते क्या है, उससे चाहते हैं कि इस धरती पर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था स्थापित हो जाए, उससे पहले मैं समाधानित हो जाऊं, परिवार में समाधान समृद्धि हो जाए, है ना। एक कोई क्वेरी आई है, कला पक्ष को समझाइए, है ना, क्रियाओं को समझाएं, बढ़िया, कृतियां माने कृत्य, है ना। तो कला पक्ष की अभी बात कर लेते हैं, इस पैराग्राफ को कर लेते हैं। तो जो जितना जान पाता है, तो जानने के लिए मैं पूरा सहस्तित्व अस्तित्व सहस्तित्व पूरे अस्तित्व को ही जान पाता हूं, है ना, सूरज को भी जानता हूं, चांद को भी जानता हूं, ऐसे और अनेक ब्रह्मांड है, ना, इसको जान पाता हूं। चाहे कितना पाता हूं, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था इस धरती पर परंपरा स्थापित हो जाए, उसके पहले मेरे परिवार में समाधान समृद्धि हो जाए, उसके मूल में मैं समाधानित हो जाऊं, शिक्षा संस्कार इस तरह की व्यवस्थाएं, है ना, स्वास्थ्य संयम उत्पादन स्थापित हो जाए, तो इतना चाह पाता है। जितना चाह पाता उतना कर नहीं पाता, क्योंकि ये पता लगता है कि अस्तित्व सह अस्तित्व है, सब कुछ एक व्यक्ति के करने से होने वाला नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इससे ये भी पता लगता है कि हम सबको भागीदारी निर्वाह करनी होगी, है ना। तो जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता, जितना कर पाता है और उससे जो अच्छे फल परिणाम आते हैं वो उतना भोग नहीं पाता, मतलब स्वयं भी भोगता है और दूसरों के लिए भी भोगने के लिए बची जाता है, जितना भोगा नहीं जाता है, जो शेष रहता है वो सब में बढ़ता ही है, है ना। तो ये एक पॉजिटिव साइकिल के रूप में बात कर रहे हैं। इसी का निगेटिव भी देखने को मिलता है कि जैसे मैं कहता ही हूं, पहले भी हमने चर्चा की है कि हम जो कर्म फल सिद्धांत इतना व्यक्तिगत नहीं है जितना व्यक्तिगत हम माने रहते हैं, है ना। तो कर्म फल सिद्धांत, हम मानव जाति एक है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग जिन्होंने अच्छाइयां की हैं, है ना, चाहे वो मोबाइल को बनाया हो, दूरदर्शन की ईजाद की हो, दूरगमन के साधन बनाए हों, घर बनाने के डिजाइन हो, भोजन के को पहचानने के डिजाइन हो, उन सबको हम पॉजिटिवली भोग ही रहे हैं। और इसी तरह यदि निगेटिव सेंस में देखेंगे तो जैसे अभी जो कोरोना या बहुत सारी ऐसी बीमारियां या लोग जब, है ना, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम और आप, हो सकता है कोई तो पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती ही कर रहा हो लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक वार्मिंग या जो किसी जगह पोल्यूशन है, वातावरण ठीक नहीं है या समाज ठीक नहीं है, तो उन पर या उनके बच्चों को, उनके कृत्यों को भी भोगना पड़ रहा है।
तो इससे पता लगता है कि ये दोनों तरह से प्रारब्ध है ना, कि वर्चुअस साइकिल में जब अच्छाइयां सच्चाइयों के साथ बहुत सारे लोग होते हैं तो एक मानवीय परंपरा होती है जिसमें सभी को अच्छापन प्राप्त होने लगता है। अच्छापन का मतलब एक व्यवस्था का स्वरूप प्राप्त होता है। तो जो कला की बात कर रहे थे, तो कला क्या है, कहीं ना कहीं उपयोगिता को बढ़ाने के अर्थ में भी कला की बात की है। जैसे हम पेन का मेन काम तो लिखना ही है, लेकिन उसमें जो ढक्कन है ना, और उसमें जो क्लिप लगा देते हैं जिससे कि उसको हम पेन को अपनी जेब में रख सकते हैं, तो एक और उसको सुंदरता भी उसमें ऐड होती है। तो कला, फाइनली यदि कला को और डिटेल में देखेंगे तो सारी कला का अर्थ किसी उपयोगिता को और बनाए रखने के अर्थ में है ना। जैसे एक चेयर बनाते हैं, उसको उसमें कुछ कलाकारी भी करते हैं, है ना। तो वो अपन ने पहले भी पढ़ा था कि सारा की सारी कला जो है या प्रचार प्रदर्शन, ये कहीं ना कहीं है ना अच्छाइयों को बढ़ाने के अर्थ में और उसकी उपयोगिता को बनाए रखने के अर्थ में। गठनशील परमाणु अणुबंधन भार बंधन सहित होता है। परमाणु में संकोचन प्रसारण क्रिया में वृद्धि होने के फलन में परमाणु तत्काल समूह से मुक्त हो जाता है, इसको कह रहे हैं गठन पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को देखेंगे तो गठनशील परमाणु में अणुबंधन और भार बंधन है, और परमाणु में एक लेवल पर जो संकोचन प्रसारण क्रिया में वृद्धि हो जाती है, इसमें मतलब जो कंपनात्मक गति बढ़ जाती है, तात्विक अर्थों में बात कर रहे हैं, तो तब उस समय वो परमाणु समूह से मुक्त हो जाता है। अभी भी अपन देखें तो जब हम कभी घर वगैरह तोड़ना होता है तो हम वाइब्रेटर चलाते हैं ना, ड्रिल करते हैं, तो यदि हम वाइब्रेशन बढ़ा दें तो वो समूह से बाकी चीजें पृथक होने लगती हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि किसी एक परमाणु में किसी क्रम में जो उसमें कंपनात्मक गति अधिक हो जाती है तो वो समूह से मुक्त हो जाता है और गठन पूर्ण होने की स्थिति में, और गठन पूर्ण हो जाता है, यही जीवन परमाणु है। जीवन अणुबंधन भार बंधन से मुक्त तथा आशा बंधन से युक्त होना ही गठन पूर्णता का प्रमाण है। अब गठन पूर्ण हो गया, इसको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि बहुत मजेदार चीज है गठन। इसको मेंडलीव की टेबल में भी देखेंगे तो जो गठन पूर्णता है, या जो जिसको नोबेल गैसेस है ना, मेंडलीव ने नाम दिया उस समूह को, हालांकि मेंडलीव के टाइम नोबेल गैसेस को नहीं पाया गया, क्योंकि मेंडलीव को लगता था कि यदि कोई गैसेज है ना या कोई तत्व सही अर्थों में उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा या सही अर्थों में नोबेल हो जाएगा है ना, तो उसको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि वो तो क्रिया शून्य, वो क्रिया करेगा ही नहीं है ना, और हम किसी चीज को पहचानते हैं क्योंकि वो क्रिया करता है। तो सही अर्थों में देखेंगे तो वो गठन पूर्ण परमाणु है, क्योंकि ये भौतिक रासायनिक क्रिया नहीं कर रहा है। लेकिन यदि कोई वस्तु है तो वो अपने को व्यक्त करेगा, तो कैसे व्यक्त कर रहा है फिर वो, तो जीवन अणुबंधन भार बंधन से मुक्त है लेकिन आशा बंधन से युक्त हो जाता है, और यही गठन पूर्णता का प्रमाण है। वो पशु शरीरों में जीने की आशा के रूप में अपने को व्यक्त कर रहा है, और मानव में सुखपूर्वक जीने की आशा को व्यक्त कर रहा है ना। तो गठन पूर्णता का प्रमाण स्वप्त स्वतंत्रता अधिकार के रूप में स्पष्ट हो जाता है ना, अर्थात वो स्वयं स्फूर्त है ना, जीने की आशा के रूप में क्रियाशील है, और बाद में सुखपूर्वक जीने की आशा के रूप में क्रियाशील है। अस्तित्व में भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, जीवन क्रिया, तो इसी को गठनपूर्ण परमाणु को जीवन कह रहे हैं, अर्थात जीवन क्रियाएं सदा सदा वर्तमान है, अस्तित्व में तीनों बने ही रहते हैं। इनके अंतर संबंधों को पहचानने के क्रम में भौतिक रासायनिक क्रिया से संक्रमित इकाई के रूप में चैतन्य इकाई अर्थात स्वयं को जीवन के रूप में पहचानता है ना। तो ये गठनपूर्ण परमाणु अपने को पहचानता है जीवन के रूप में। इसको पहचान सहित प्रमाणित करने वाला कौन है, तो वो मानव ही है। समूह से अलग होने का फल ही है कि परमाणु अपनी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से अधिक विस्तार में कार्य करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि उसके पहले तो वो अणुबंधन में रहता है, तो अपनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से और अधिक फैलने में उसके लिए स्कोप नहीं रहता है। प्रत्येक जीवन शरीर द्वारा ही आशा अनुरूप उपलब्धि के लिए प्रयत्नशील है। अब हर जीवन शरीर के द्वारा जो भी उसकी जीने की आशा और सुख की आशा के अनुरूप उपलब्धि चाहता है, क्या मानव क्या उपलब्धि चाहता है कि उसकी आशा क्या है, सुखी होना चाहता है, तो उसकी उपलब्धि क्या चाहता है, सुखी होना चाहता है। तो तथा इसी हेतु वह अणु समूह से पृथक भी हुआ है या अलग हुआ है।
चेतन एवं जड़ का योग, जड़ क्रियाओं में पाए गए क्षोभ का ही परिणाम चेतन अवस्था है, क्योंकि श्रम का क्षोभ ही विकास के लिए कारण है। तो जितना जितना यदि आप देखेंगे तो जो सृष्टि दर्शन में अपन हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ अवस्था प्लस श्रम, माने पदार्थ अवस्था लगातार श्रम कर रहा है, क्योंकि ऐसी कोई इकाई ही नहीं है जो श्रम ना करती हो। तो पदार्थ अवस्था लगातार श्रम करने से प्राण अवस्था तक पहुंचता है, प्राण अवस्था लगातार श्रम करता है तो जीव अवस्था पहुंचता है, जीव अवस्था में पशु शरीर और चेतन निकाय, और फिर जीव अवस्था में श्रम होता है तो मानव, अब भ्रमित मानव तक पहुंचता है, भ्रमित मानव श्रम करता है ना, तो कुछ अनुसंधान करता है, श्रम से विश्राम की स्थिति को पाता है। इस अर्थ में ही कह रहे हैं कि जो मानव है ना, तो जिसके फल परिणाम चेतन अवस्था है, क्योंकि श्रम का क्षोभ ही विकास के लिए कारण है, जिसके फल स्वरूप ही विश्राम की तृषा है। उपरोक्त संबंध में अर्थात जड़ परमाणु ही विकास के क्रम में संक्रमित होकर चैतन्यता को प्राप्त करता है। चैतन्य में जो कुछ भी अध्यास की रेखाएं हैं वह अपूर्ण है ही, चैतन्य इकाई अग्रिम विकास चाहती है, हर विकसित इकाई, तो ये कह रहे हैं कि देखिए शुरुआत अविकसित भ्रमित से ही होती है, हर विकसित इकाई अविकसित इकाई का परस्पर जागृति के लिए पूरकता के अर्थ में उपयोग करती है। जागृति के मूल में मानव कुल के हर इकाई में अपने शक्ति का अंतर्नियोजन आवश्यक है, क्योंकि इकाई के शक्ति के बाहर गमन होने पर ह्रास अर्थात उसका विकास का उल्टा ह्रास है, मतलब नीचे डाउनफॉल हो जाता है, तथा शक्ति के अंतर्निहित होने पर ही विकास परिलक्षित होता है, जो अपन ने सुबह बात की थी कि किस तरह से मन से वृत्ति की ओर, वृत्ति से चित्त की ओर, चित्त में जो चित्रण है उससे चिंतन की ओर, अर्थात जैसे ही मानव अपने में ये सवाल पूछना शुरू करता है कि यार मैं जो कुछ भी करता हूं है ना, सुबह से शाम तक सालों साल जो कुछ भी कर रहा हूं, इस सब का आखिरकार प्रयोजन क्या है ना, मैं चाहता क्या हूं, किस लिए हूं है ना, इस धरती पर जीने का डिजाइन क्या है, ये सब जो प्रयोजन को ढूंढने की बात है ना, जब मैं अपने प्रयोजन को ढूंढता तो फिर शक्तियों का अंतर्निहित होना शुरू होता है, इसी को कह रहे पात्रता विकास। तो अंतर्नियोजन का तात्पर्य जिसको कहा प्रत्यावर्तन या स्वामे निरीक्षण, परीक्षण पूर्वक निष्कर्ष निकालना और फिर उन निकाले हुए निष्कर्षों को अभ्यास और व्यवहार में प्रमाणित करना ही है। ओहो बहुत सारा तो पढ़ के देखना पड़ेगा। रवीश भाई कुछ लिख रहे हैं, बाबा जी ने एक बार किसी वीडियो ऑडियो में, नहीं आ जाओ तो पास में, कहां पर आनंद भाई रुद्र सिंह, तो यह बात मन में आती कि उन्होंने तो एक कही साधना विधि से तो कहीं नहीं मिला होगा, या साधना या कुछ योगदान अध्ययन में रहा होगा किस पे आस पर, मैं देखता हूँ इसको पूरा कर लेते हैं है ना। बढ़िया, कुछ अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पैराग्राफ को करते ही मैं एक बार है ना उसको देख लेते हैं। तो अंतर्नियोजन का तात्पर्य प्रत्यावर्तन है और बहिर्गमन का तात्पर्य परावर्तन है। अध्यास मानसिक स्वीकृति सहित संवेदनाओं की अनुकूलता में शारीरिक क्रिया से जो प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं उसको अध्यास कह रहे हैं। तो शरीर की अनुकूलता के लिए, जो शरीर के लिए जो अच्छा लगता है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी मानसिक स्वीकृति बनी रहती है ना, इसको अध्यास कह रहे हैं। प्राण अवस्था में अवस्थित रचना रूपी इकाइयां वनस्पति हैं, इसकी बात हो चुकी, प्राण अवस्था किसको कह रहे हैं, इसके मूल में प्राण कोशाएं हैं है ना, सेल्स हैं। प्राण अवस्था की इकाइयों की संरचना फाइन यदि रूट में देखेंगे तो पदार्थ से ही बनी हुई है। प्राण कोशाओं की परंपरा बनी रहे इसके लिए रचनाएं संपन्न होती रहती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए परंपरा बनी रहती है इकाई का, क्योंकि यदि हम एक छोटे से उसमें देखें तो हमें लगता है इकाई तो खत्म हो जा रही है, तो नाश नहीं हो रहा है, परंपरा के रूप में वो बनी ही रहती है। और वैसे भी रचना की रचना होती है, मूल तत्व तो नाश होता ही नहीं है, इसीलिए कहा कि ब्रह्म सत्य और जगत शाश्वत, माने जो प्रकृति है वो शाश्वत बनी रहती है, क्योंकि और इसीलिए भी कहा कि पदार्थ का जो धर्म है अस्तित्व ही धर्म है, यानी कि उसका होना बना रहना ही उसका धर्म है। तो और परंपरा के रूप में तो प्राण कोशा की परंपरा भी बनी रहती है, इसके लिए रचनाएं संपन्न होती रहती है। निश्चित प्रयास की रचनाएं किसी एक निश्चित अवधि तक पहुंचती ही हैं, जैसे हम पेड़ पौधों के रूप में देखते हैं,
अब इनकी फिर से बीज अवस्था आती है। तो पदार्थ प्राण अवस्था बड़ी होती है, रचना पेड़ बड़ा होता है, उसके बाद वो पुनः बीज बन जाता है। अस्तित्व को बचाए रखने के क्रम में तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपनी परंपरा को हर पेड़ पौधा बना के रखना चाहता है। तो अस्तित्व को बचाए रखने के क्रम के प्रयास में ही प्राण अवस्था में बीजों का निर्माण हुआ। और बीज में पूरे वृक्ष की रचना विधि सहित प्राण कोशाएं निहित रहती हैं। फलस्वरूप ही बीज में पूरे वृक्ष की रचना विधि धारित किए हुए प्राण कोशाएं अवस्थित रहते हैं। इसीलिए बीज पुनः उसी प्रकार की संरचना करने में समर्थ होते हैं। इसी को बीज वृक्ष न्याय भी कहते हैं, अर्थात जैसा बीज वैसा वृक्ष और जैसा वृक्ष वैसा बीज। बनस एक मजेदार चीज है इसमें जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखो, ये अपने को सोचना पड़ेगा कि पहला आदमी कैसे आया होगा इस धरती पर, है ना। तो यदि इसकी जब कल्पना करते हैं तो ये क्लियरली दिखाई देता है कि पहला आदमी होने के लिए तो किसी ना किसी पशु से ही आना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि पहला पशु कैसे हुआ होगा, तो पता लगता है कि वो स्वेदज अंडज और पिंडज संसार से कनेक्टिविटी होगी। फिर ये देखेंगे कि पहला, है ना, सेल स्ट्रक्चर कैसे बनी होगी, तो पदार्थ से ही बनी होगी। तो इसको देखने पर फिर जब ये पूछने जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, पदार्थ आफ्टर ऑल, है ना, क्योंकि हमें ये लगेगा कि हर इकाई का यदि आचरण निश्चित ही है तो फिर वो, है ना, पदार्थ अवस्था किस क्यों प्राण अवस्था में कन्वर्ट हुई। तो यहां पर जो बेसिक नियम है पूरे अस्तित्व में, ये पहचानने में पड़ेगा कि सारा बेसिक नियम सह अस्तित्व ही मूल नियम है। यानी क्योंकि किसी ने मेरे से पूछा था कि जब हम और आप ये कहते हैं या मध्यस्थ दर्शन ये कह रहा है कि अस्तित्व में एक दिशा है ना, या अस्तित्व किसी प्रयोजन के साथ है, पर्पज के साथ है, नियति क्रम के साथ है, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति के साथ है, तो इसको कैसे देखें। तो ये दिखता है कि इसमें एक निश्चित दिशा बनी हुई है, क्योंकि उसके जब रूट को पहचानने जाते हैं तो पता लगता है कि व्यापक में, है ना, हर इकाई संपृक्त होने की वजह से उसमें जो प्रेरणा है और उस प्रेरणा की दिशा को जब देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि पूर्ण में गर्भित होने की वजह से, पूर्ण मतलब व्यापक या स्थिति पूर्ण है, इसलिए ही सारी इकाई पूर्णता के लिए क्रियाशील है, गतिशील है, विकास की ओर, क्रिया पूर्णता की ओर, आचरण पूर्णता की ओर उसमें एक दिशा दिखाई देती है। तो इसी को कई बार विज्ञानी भी मानता है और बोलता है कि लगता है कभी कभी पदार्थ गलती कर देता है ना। बाबा से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा, बेटा गलती नहीं कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है। क्या बात है, पदार्थ भी अनुसंधान कर रहा है, प्राण अवस्था भी अनुसंधानरत है, श्रमरत है, जिससे कि आगे की स्थितियां प्रकट हो सके। इसलिए अस्तित्व में प्रकटन क्रम है, पदार्थ से प्राण अवस्था की ओर, प्राण अवस्था से जीव अवस्था की ओर, जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था की ओर, और भ्रमित ज्ञान अवस्था से वो प्रकट अपने को करना चाहता है, है ना, मानव पद की ओर, मानव पद से देव पद और दिव्य पद की ओर, जहां हर मानव, हर मानवीय समाज जिस तरह से, है ना, समाधान समृद्धि पूर्वक अभय परस्परता में विश्वास के साथ सहस्तित्व के साथ जी सके, इस तरह से यदि देखते हैं तो पूरा का पूरा हमें व्यापक का जो प्रधान रोल, है ना, दिखाई देता है। और फिर हम इस ढंग से मध्यस्थ सत्ता जो केवल, क्योंकि अधिकतर विज्ञान का फोकस सिर्फ प्रकृति की ओर है, तो हम मध्यस्थ सत्ता की भी अपने आप में एक वास्तविकता है, इसलिए उसको वस्तु कहा, और उसके उसमें होने मात्र से किस तरह से हर इकाई में एक दिशा, एक गति, एक, है ना, विकास की जागृति की गति एक दिखाई देती है, ये समझ में आता है। तो वनस्पतियों में की जातियों की उत्पत्ति का कारण नैसर्गिक दबाव और संग्रहण प्रतिक्रिया के भीत से ही है। यह मानव शरीर रचना की निपुणता सूक्ष्म प्राण कोशाओं में प्राण अवस्था की रचनाओं से लेकर ज्ञान अवस्था के शरीर रचना तक संपन्न होती रहती। तो ये जो सेल्स हैं, ये भी पशु जगत में जो सेल हैं, पेड़ पौधों में जो सेल हैं, और मानव की शरीर रचना में जो सेल हैं, इनमें भी निपुणता कुशलता देखने को मिलती है ना। या जब अपन देखेंगे तो बहुत सारे जो, है ना, स्वेदज संसार दिखाई देता है, तो जो रोबोट प्रोग्राम है ना, मच्छर है, बहुत सारा कैसे गंध के आधार पर पूरा नियंत्रित रहता है, तो बहुत सारी रोबोटिक डिजाइन इसमें अपने को दिखाई देगी। तो इसमें भी बहुत सूक्ष्म रूप में उत्तरोत्तर, है ना, विकास हो रहा है विकास क्रम में, है ना, या बहुत सारी निपुणता कुशलता उसमें दिखाई देती है। प्राण कोशाएं अपने स्वरूप में समान होती हैं तथा रचना विधियां भिन्न भिन्न होती हैं। साथ ही प्राण अवस्था की रचना में कुशलता के जितने भी वर्ग हैं उससे अधिक, जो मैंने अभी कहा, उससे अधिक जीवावस्था में, और इससे अधिक कुशलता
है ना, ज्ञान अवस्था के शरीर में देखने को मिलती है, क्योंकि शरीर रचना में जो मौलिक विकास हुआ है उतने ही पक्ष की स्पष्टता इन रचना विधियों में समाविष्ट हो चुकी है। सर्वोच्च विकसित रचना मानव शरीर में मेधस ही है, अर्थात ब्रेन ही है, समृद्धि पूर्ण मेधस तंत्र युक्त मानव शरीर ही है। तो एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बहुत सारे है ना, क्योंकि मैं जब जो प्रेजेंटेशन में ये स्क्रीन लाइव चैट नहीं दिखती है कई बार, बढ़िया, तो एक बार सारे प्रश्नों को, अपने पास बढ़िया समय है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। कल बाय द वे मैं आपको बता दूं कि साधन भैया का फिर से सेशन रहेगा, और मैं, मुझे तो बहुत ही रोमांचित करता है साधन भैया का प्रेजेंटेशन, और मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि आप उसको जरूर ज्वाइन करें, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हों है ना, उसको पहले से भेज दें, हम उन तक पास ऑन कर देंगे। एक बार मैं अब सारे आप लोगों के दिव्य मानव दृष्टि में, रंजना तिवारी जी पूछ रही हैं, दिव्य मानव दृष्टि में न्याय धर्म को कैसे देखेंगे? तो जैसे कि कहा गया, हर श्रेष्ठ में या अधिक गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाय ही रहता है, तो दिव्य मानव दृष्टि प्रधान रूप में सत्य दृष्टि है, लेकिन सत्य दृष्टि में न्याय और धर्म समाया रहता है। अर्थात जो दिव्य मानव है वो संबंधों को पहचानता ही है, न्याय का मतलब है संबंधों को पहचानना, संबंधों में निहित जो मूल है उनका पालन कर, उनका निर्वाह करना है ना, तो वो उसमें समाया ही रहता है। धर्म अर्थात व्यवस्था के लिए प्रयास, ये समाया ही रहता है। और सत्य में जो है मुख्य चीज के जो सहज तत्व, सहज सच्चाइयां हैं, उसको स्पष्ट रहती हैं, दूसरों को उनको कम्युनिकेट करने में प्रमाणित विधि से क्रियाशीलता दिखाई देती है। इस तरह से दिव्य मानव में जो सत्य दृष्टि में न्याय और धर्म विलय रहते हैं, प्रधान रूप में सत्य दृष्टि बनी रहती है। बाबू सिंह नायक, हमारे अंदर पुराने संस्कार हैं जो इस नित्य नूतन दर्शन को बोध के आगे अनुभव प्रमाण में काफी समय ले रहा है, क्या करना चाहिए? बहुत ही सुंदर सवाल है बाबू भाई, और अभी हम जो बोलचाल की भाषा में जिसको आप, हम और आप संस्कार कह रहे हैं, एक्चुअली वो संस्कार नहीं है बल्कि सही या गलत प्रवृत्तियां हैं। क्योंकि जैसा कि अभी हम लोगों ने संस्कार की डेफिनेशन को पढ़ा, तो संस्कार तो सही के अर्थ में स्वीकृतियां ही हैं, तो कोई भी स्वीकृतियां आगे आने वाले अनुभव में सहायक ही होती हैं, वो बोध कराने में और अनुभव में रोड़ा नहीं बन सकती है ना, बाधा नहीं बन सकती। इसका मतलब है जिसको अभी हमने संस्कार माना है और हम ये भी मान रहे हैं कि ये हमारे लिए बाधक हो रहा है, इस बात को अपने को फिर से अच्छे से जांचना चाहिए। सारे संस्कार हमारे प्रमाणित होने के लिए, बोध करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए सहायक ही हैं, अदरवाइज वो शायद संस्कार नहीं है, कुछ प्रवृत्तियां ठीक ठाक नहीं है, इसको अपने को अच्छे से देखना पड़ेगा। हाँ, लैपटॉप के फैन का है, आप वहां से बैठ के पता लिए, देखिए आपकी दर्शन क्षमता काफी बढ़िया है कमलेश भाई। रवीश भाई लिख रहे हैं, भैया एज जीवन इज अंडरस्टैंडिंग, हाउ कैन बी श्योर दैट इन नेक्स्ट लाइफ दैट मच अंडरस्टैंडिंग रिमेन एंड बी प्रोग्रेस फ्रॉम देयर, बिकॉज इन एवरी लाइफ विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जीवन, भैया स्क्रैच से कहीं कोई शुरुआत नहीं हो रही है, ये बिल्कुल गलत मान्यता है कि मानव खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। यदि व्यवहारिक ढंग से भी देखें तो मानव जन्म लेते ही माँ पिता भाई बहन, जन्म क्या, जन्म से पहले ही है ना, लोग उससे एक संबंध स्थापित करते हैं। और बल्कि संविधान में भी देखें तो बच्चा जन्म लेते ही अपने माता पिता की प्रॉपर्टी का बराबर का हकदार हो जाता है। तो इस तरह से कहना कि हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, व्यवहारिक भी नहीं है, और तात्विक रूप में देखेंगे तो उसमें जो प्रवृत्तियां हैं है ना, सही और गलती के अर्थ में जो भी उसकी उसकी उस समय की जो समझ बनी है, जिसको संस्कार तो नहीं कहेंगे, प्रवृत्तियां कहेंगे, और यदि पहले संस्कार बन चुके हैं तो उन संस्कारों के साथ ही मानव जन्म हो रहा है ना, स्क्रैच से कोई कार्यक्रम नहीं है और खाली हाथ जाता भी नहीं है। बहुत सारी अपने में समझ को, यदि समझ पैदा हो पाती है, या बहुत सारी समीक्षाओं को करके नई प्रवृत्तियों के साथ ही आदमी जाता है। बिल्कुल, शरीर बदलना एक तरह से कार बदलने जैसा है ना, ड्राइवर में तो जो समझ रहती है वो बनी रहती है। अच्छा, सुबह आवाज नहीं थी तो शायद मेरी गोद में रहा होगा।
बाई जीवन विल रिपीट एक्टिविटीज बाई टेकिंग बर्थ एवरी टाइम एंड गोइंग थ्रू सेम इवेंट्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है। तो भैया जीवन तो, जैसे सुबह भी चर्चा हुई थी, जीवन तो शरीर लेता है जागृत होने के लिए, निरंतर सुख शांति संतोष आनंद की नित्यता को पाने के लिए, दिव्य पद तक सारी जर्नी है, गठन पूर्णता से क्रिया पूर्णता, क्रिया पूर्णता से आचरण पूर्णता की जर्नी है। चूंकि बार बार शरीर इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हम जिस स्थिति को पाना चाहते हैं वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, और ऐसा भी कहीं पर चर्चा में आया है, किताब में भी आया है कि भैया इस धरती पर जो ये दबाव आ रहा है मानवों का, इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि हम सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। एक बार यदि सच्चाई को समझ जाएंगे तो फिर बहुत सारी शरीर यात्रा ऐच्छिक हो जाती है ना। तो बिल्कुल ठीक है, तो हम बार बार इसीलिए शरीर लेना पड़ता है क्योंकि जहां हम पहुंचना चाहते हैं पहुंच नहीं पा रहे हैं, अर्थात सही सच्चाइयों को समझ नहीं पा रहे हैं, ज्ञान दृष्टा पद में नहीं स्थापित हो पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। नितिन भाई लिख रहे हैं, सह अस्तित्व में दृष्टा पद प्रतिष्ठा ही तदावलोकन क्रिया है। तदावलोकन का मतलब है तत माने जागृति, जागृति माने भ्रम मुक्ति, भ्रम मुक्ति का मतलब है सच्चाइयों के बारे में जो जैसा है वैसा समझ पाना अस्तित्व को, जीवन को, मानवीयतापूर्ण आचरण को, है ना। तो सह अस्तित्व में दृष्टा पद प्रतिष्ठा का मतलब ही है कि तद अवलोकन, मतलब जैसी सच्चाइयां हैं अब मैं वैसी अवलोकन कर पा रहा हूं, वैसा देख पा रहा हूं, इसीलिए इसको दृष्टा पद प्रतिष्ठा कहा है कि अब मैं दृष्टा पद में आ गया। बढ़िया, आनंद भाई ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया हुआ है, जीवन और शरीर के साथ परंपरा स्थापित हो जाए यही पूर्णता होगी। बिल्कुल ठीक है। हमिंग साउंड अभी भी सम्यक बनी हुई है क्या? ओहो, तो इसको मैं देखूंगा, बिल्कुल ठीक बात है, इस पर ध्यान देंगे। मुझे लगता है या तो इसको अभी चलेंगे, अभी तो इसको छोड़ देते हैं, 2-5 मिनट ही बचे हैं, बट बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हाँ, दशरथ भाई पूछ रहे हैं, दशरथ भाई नमस्कार, प्लीज क्लैरिफाई स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य एंड वस्तुगत सत्य। तो देखिए, स्थिति सत्य तो कह रहे हैं जो व्यापक है ना, व्यापक अपने में पूर्ण है। यदि हम कल्पना करेंगे कि देखो ये स्पेस जो है, हम और आप जहां जहां बैठे हैं वहां से हम अपनी कल्पना को दौड़ाएं और फैलाते जाएं कि ये स्पेस, ये जो खाली जगह है, ये कहां तक फैली हुई है, तो हम पाएंगे कि कई दिनों तक, कई घंटों तक भी यदि हम कल्पना करते हुए आगे बढ़ते रहें तो हमें ये समझ में आता है कि ये हमारी कल्पना जहां तक जा रही है उससे भी आगे बना हुआ है ना। तो इसमें समझ में आ रहा है कि स्थिति सत्य तो यही है कि व्यापक में, और ये भी दिखेगा कि इस व्यापक में अनंत इकाइयां समाई हुई हैं, तो सह अस्तित्व ही स्थिति सत्य के रूप में समझ में आता है। फिर वस्तुगत सत्य को समझ लेते हैं। वस्तुगत सत्य क्या है? तो पदार्थ का जो रूप गुण स्वभाव धर्म है, ये उस वस्तु का, सोने का है ना, हीरे का, लोहे का, चांदी का, उसके जो रूप गुण स्वभाव धर्म है, पेड़ पौधे का, नीम का, गाय का, है ना, बैल का, घोड़े का, तो इनके जो रूप गुण स्वभाव धर्म है, और मानव का, इसको कह रहे हैं वस्तुगत सत्य, है ना। रूप गुण स्वभाव हर वस्तु का, है ना, या व्यापक रूपी वस्तु का, इन सब के जो जो उसमें पारदर्शिता, पारगामीयता, है ना, और व्यापकता है, इस तरह से हम वस्तुगत सत्य को पहचानते हैं। फिर एक तीसरी स्थिति आ रही है जहां वस्तु स्थिति सत्य है, माने आज की स्थिति में जैसे मानव है, तो वस्तु स्थिति क्या है कि अधिकांश मानव भ्रमित स्थिति में पाए जा रहे हैं। समाज की स्थिति को देखेंगे तो पता लगेगा कि अमानवीय व्यवस्था का बोलबाला है। प्राकृतिक स्थिति को देखेंगे तो पता लगेगा कि प्रदूषण है ना, या हम खनिजों का शोषण कर ले रहे हैं। इस तरह से इसको कह रहे हैं आज की वस्तु स्थिति सत्य, और फिर जहां हमें पहुंचना है उसके लिए आज की वस्तु स्थिति सत्य से या भ्रमित से जागृति की ओर कैसे जाएंगे, अमानवीय व्यवस्था से मानवीय व्यवस्था की ओर गमन कैसे होगा, इस तरह से वस्तु स्थिति सत्य को कह रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, प्रतिभा जी बोल रही है, प्रतिभा जी नमस्कार, सातों संबंधों को कैसे निभाया जाए न्याय धर्म के साथ आम भाषा में बताएं। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, एक तो मैंने सुबह भी कहा था कि संबंध तो साथ ही हैं, चाहे वो अमेरिका में हो,
चाहे वो जापान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे भारत में हो, क्योंकि मानव मानव के बीच में संबंधों को जब कह रहे हैं तो संबंध का मतलब किसी प्रयोजन के अर्थ में संबंध है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि जीव चेतना बस एक बस संबंध नहीं है, आमस्मिक अर्थात विकसित चेतना के अर्थ में ही संबंध है। तो क्या संबंध है? तो एक संबंध तो है कि माता पिता का बच्चों के साथ संबंध है ना, गुरु का शिष्य। तो रूट में यदि देखेंगे तो ये देखने में आ रहा है कि हम कैसे समाधान समृद्धि से सफल हो जाएं। कुछ लोग हैं जो सफल हो गए हैं, कुछ लोग हैं जो जिनको सफल होना है, जो आने वाली पीढ़ी है उनके बीच में कुछ संबंध है जिसमें माता पिता है ना और गुरु शिष्य संबंध, फिर कुछ कुछ परस्परताओं में संबंध है ना, जिसमें भाई बहन मित्र मित्र संबंध है, पति पत्नी संबंध है, और फिर कुछ संबंध है जो व्यवस्था के अर्थ में है, जहां पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर या साथी सहयोगी संबंध है। इस तरह से यदि इसको देखेंगे तो साथ ही संबंध दिखाई देते हैं और इनमें अपेक्षाएं भी निश्चित हैं। इसको डिटेल में आगे मानव व्यवहार दर्शन पढ़ेंगे अपन, तो आगे की अध्यायों में है ही है कि हर संबंध में क्या निहित अपेक्षाएं हैं और उन निश्चित अपेक्षाओं को, क्योंकि हम संबंधों में सभी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते, बट जो सही अपेक्षाएं हैं, जो अस्तित्व सहज अपेक्षाएं हैं, उनको हमें पूरा किया जा सकता है, उनको समझा जा सकता है। तो इसको अपन और डिटेल में चर्चा करेंगे। आम भाषा में देखें तो जैसे पति पत्नी संबंध में है ना बात कर रहे हैं कि दो शरीर एक मन होकर के जीने की बात है, या माता पिता या बच्चों के साथ जो बात कर रहे हैं तो माता पिता की है ना इसी अर्थ में पूरकता है कि बच्चे किस तरह से है ना समृद्धि को सार्थक करने लायक, या उनमें कुछ इस तरह की स्किल्स आ जाएं, साथ ही साथ उनमें संस्कार उदय हो जाए जिससे संबंधों को पहचान सकें, प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी आवश्यकताएं पूरी कर लें और संबंधों में एक दूसरे के साथ पूरक हो जाएं, उपकार कर पाएं, इस अर्थ में वो अपेक्षाएं और बच्चों को भी यही अपेक्षा है, इस तरह से उनमें पूरकता को देखा जा सकता है। प्रारब्ध की अपनी बात हुई, निगेटिव और पॉजिटिव के अर्थ में मैंने कुछ उदाहरण ऑलरेडी दिए है ना कि कुछ अच्छी चीजें भी हमें एक दूसरे की वजह से मिली हैं, कुछ कुछ गलतियां भी एक दूसरे करते हैं तो हम सब उसको भोगते ही हैं, भोगना ही पड़ता है, हम क्योंकि जुड़े हुए हैं, परस्परता में हैं। रवीश भाई कह रहे हैं बाबा जी ने एक बार किसी वीडियो ऑडियो में सुना था कि यह मेरा प्रारब्ध है जिससे मेरी गति बनी। बिल्कुल ठीक है, नॉट श्योर आई नीड रिकॉल द वीडियो, आई थिंक वन ऑफ द राकेश भाई वीडियो आई हर्ड देम। बिल्कुल ठीक है, देखिए तो एक कुछ चीजें तो अपनी प्रवृत्तियों के रूप में है लेकिन परस्परता में भी प्रारब्ध है। जैसे बाबा को है ना अपने गुरु का सानिध्य होना है ना, इस तरह का वातावरण निर्माण होना जिसमें कि उनके सवाल खड़े हो जाना कि उनके पूर्वजों ने जो लगभग कई हर एक एक उनके आगे की पीढ़ी में कोई ना कोई समाधिस्थ हो जाता था, तो उनका ये सवाल बनना कि आफ्टर ऑल उपलब्धि क्या हुई है ना। तो इस तरह के जो परस्परता में भी हमारे में बहुत सारे हम लोगों में भी जो प्रश्न खड़े हो जाते हैं, जैसे आज ये प्रश्न बन ही रहा है कि हम लोग बोलते हैं कि भैया खान पान तो मेरी पर्सनल च्वाइस है, तो अब दिख रहा है कि भैया तुम्हारी एक व्यक्ति कुछ लोगों की पर्सनल च्वाइस से यदि पूरा समाज प्रभावित होता है तो सोचना पड़ेगा ये कितना पर्सनल है ना। या ऐसे भी देखेंगे तो समाज ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, हर आदमी अभी गांजा भांग है ना या सिगरेट बनाने की फैक्ट्री तो नहीं डाल सकता, तो बहुत सारी चीजें इतनी पर्सनल नहीं है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और एक दूसरे की गलतियों को और अच्छाइयों को, जैसे मैंने कहा अच्छा मोबाइल की डिजाइन बन गई है ना, गाड़ी हमने अच्छी आ गई, घर बनाने सीख लिए, तो इन सब कपड़े आ गए, खाना आ गया, तो बहुत सारी चीजों का तो हम प्रारब्ध में इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो कुछ व्यक्तिगत प्रारब्ध भी है, कुछ परस्परता में जुड़ा हुआ प्रारब्ध भी है। जीवन परमाणु अणुबंधन और भार बंधन से मुक्त कैसे है, आशा बंधन से युक्त है, ये तो स्वयं में जांच सकते हैं, बहुत बढ़िया। परंतु अणुबंधन और भार बंधन को कैसे जांच सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल। देखिए इसको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं कि सपोज हमारा जीवन कुछ परमाणुओं का झुंड होता है ना। अमरीश भाई पूछ रहे हैं मान लो कि हमारा जीवन कुछ और हमारे में जो चयन आस्वादन या आशा करना विचार करना, तो 80 साल में हो सकता है मेरे में से एक टुकड़ा गिर जाता और पता लगा कि यार अब 20 साल के बाद आशा करना नहीं बन पा रहा, भाई विचार तो कर लेता हूं या इच्छा कर पाता हूं, आशा नहीं होती है। तो ऐसा देखा जा रहा है कि ये सारी की सारी क्रियाकलाप एक व्यक्ति में भी, और एक कोई ये कह सकता है कि भैया 80 साल तो छोटा टाइम है, मैं तो 80 साल ही जिया, हो सकता है 500 साल बाद होता हो तो मैं कैसे जानूंगा, बहुत बढ़िया सवाल है ना। जैसे यूरेनियम की हाफ लाइफ तो मिलियन ईयर्स है,
तो आदमी तो 80-100 साल भी जीता है, उतना तो जिया नहीं, कैसे पहचाना। तो जब हम उसके असंख्य परमाणुओं को अध्ययन करते हैं तो उसमें एक रेशो से पता चलता है कि इसकी लाइफ मिलियन ईयर्स है। तो ऐसे ही मैं भले ही 50 साल जी रहा हूं, 30 साल जी रहा हूं, लेकिन 700 करोड़ लोग 30 साल मेरे साथ साथ जी रहे हैं। तो इतना और किसी में भी ऐसा नहीं पाया जा रहा हो, कोई व्यक्ति ऐसी घोषणा नहीं कर रहा है कि भैया कुछ सालों के बाद विचार करना छूट गया है ना, और अब मैं सिर्फ इच्छा कर पाता हूं या आशा करना छूट गया। इससे पता लगता है एक ही परमाणु है, सारी क्रियाएं लगातार एक जैसी, हर व्यक्ति अक्षय बल अक्षय संपन्नता के साथ करता है। तो एक मोटा मैंने आपको तर्क दिया और अपन आगे बात कर सकते हैं। आप भी सोचिए, मैं भी सोच ही रहा हूं, है ना। इससे पता चलता है कि एक ही है, अणुबंधन नहीं है उसमें। रुद्र भाई लिख रहे हैं, भैया हम यह निश्चितता से, 2-4-5 मिनट में थोड़े ज्यादा ले रहा हूं ऐसा लग रहा है आज, है ना। और अब तो कल का सेशन फर्स्ट सेशन में ही अपने साधन भाई लेंगे, सेकंड सेशन में फिर लूंगा। तो और ज्यादा पेजेस बचे नहीं है, मैंने थोड़ी तेज गति कर ली, 41 पेज अपन कर चुके हैं, तो दो ही पेज बचे हैं, तो उनको करके कल के सेकंड हाफ में उनको करके, और बाकी के जो भी फ्री स्टाइल क्वेश्चन आंसर हो मैं चाहूंगा आप उसको बिल्कुल से रखें, है ना। और मैं अभी के तो ले ही लेता हूं, 2-3 और जो बचे हुए हैं, और हम लोग खुल के इस पर चर्चा कर पाए। देखिए बात पहले ही बाबा कह रहे हैं कि हम सबको जानना होगा, जानने के लिए जांचना होगा, तर्क पे अपने लगाना पड़ेगा। हम वैसे भी अपने यहां मानने की बात नहीं कर रहे, तो आपके सभी प्रश्नों का बहुत स्वागत है। प्रश्न कोई गलत नहीं होते हैं, उत्तर ही गलत हो सकते हैं, और आपके प्रश्नों से मेरे भी बहुत सारी चीजों पर ध्यान जाता है, मेरी भी गति बढ़ेगी ऐसा मैं मान रहा हूं, क्योंकि हम सब मिलजुल करके इवॉल्व हो रहे हैं, है ना। तो बहुत बढ़िया। तो रुद्र सिंह भाई लिख रहे हैं कि भैया मैं निश्चितता से कैसे कह सकते हैं कि पठन अध्ययन के द्वारा अनुभव तक पहुंच सकते हैं, जब बाबा ने कहा उन्होंने 10 क्रियाओं को जिया समझा है और यह प्रमाण है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों में से कोई इस बात को घोषणा नहीं कर पा रहा है, और घोषणा करना अपने आप में कोई घोषणा की बात नहीं है, तो होगा हो, लेकिन एक अनुमान तो लगता है, हम सब लोग जो प्रयास कर रहे हैं उससे एक अनुमान लगता है कि हमारी स्थिति में उत्तरोत्तर बेहतर की ओर हम गति कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि एक निरंतर सुख की स्थिति को पा सकते हैं। यही अनुभव का मतलब है कि हम परस्परता में अपने साथ, अपनों के साथ और प्रकृति के साथ हारमोनी में जी पाएं, निरंतर सुख शांति पूर्वक जी पाएं, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को स्थापित कर पाएं, यही उसका प्रमाण होगा। इसको अभी जांचना शेष है, हम सब प्रयासरत हैं। तो यह बात मन में आती है कि उन्होंने तो एक ही साधना विधि से तो नहीं मिला होगा, या साधना का कुछ योगदान अध्ययन में रहा ही होगा। कृपया इस पर, तो अपन इस पर और चर्चा कर लेंगे कल के सत्र में। भैया कृपया परमाणु में संकोचन प्रसारण के वृद्धि से जीवन परमाणु के रूप में विकास को थोड़ा और समझाएं, इस पर भी मुझे लगता है हम कल बात कर लेंगे। जीवन अणु समूह से पृथक है कैसे, इसकी बात अभी अपन ने थोड़ी सी की है ना। चैतन्य में अध्यास की रेखाएं को, इसको भी कल बात करेंगे। शून्य कैसे ऊर्जा स्वरूप है, इसकी बात करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। एक दो ही बचे हैं, इसको ले लेता हूं, है ना। तो शून्य जो है कैसे, है ना, ऊर्जा स्वरूप और क्रिया शून्य है, बहुत बढ़िया। तो एक तो ये कह रहे हैं कि शून्य में तो कोई ऊर्जा नहीं है, ये तो पक्का है। अब इसको अभी अपने में देखते हैं, तो मैं जब हम और आप अपने में देखते हैं, तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि हम सब ट्रांसपेरेंसी पूर्वक जीना चाहते हैं, है ना। अब ये ट्रांसपेरेंसी की चाहत कहां से आ रही है। दूसरा, मैं निर्विरोध होकर के जीना चाहता हूं, और जब मैं देखने जाता हूं तो व्यापक में कोई विरोध, कोई तरंग, कोई दबाव, कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है ना। ये ऑलरेडी अपने आप हर एक के साथ निर्विरोध स्थिति में ही दिखाई देता है। और जब तीसरी चीज को मैं देखता हूं तो व्यापक परम शांत स्थिति है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है, ये क्रिया शून्य है, और हम सब एक शांति को पाना चाहते हैं, है ना, और क्रिया के साथ शांति को पाना चाहते हैं, जिसको हम फिर व्यवस्था में पाते हैं, अपने हारमोनी में पाते हैं। तो जब थोड़ा सा डिटेल में अपने साथ अंतर इसको पहचानने की कोशिश करेंगे, तर्क को लगाएंगे, है ना, विचार को लगाएंगे, तो ये पता चलता है कि इसमें होने मात्र से मानव में ज्ञान अपने में कोई क्रिया नहीं है, लेकिन ज्ञान ही मेरे लिए बहुत सारे काम को कराने के लिए कारण बनता है। इससे पता लगता है कि मैं जिस तरह से मेरे में इस शून्य व्यापक या जो परम शून्य या ये जो परम शांति और ये ट्रांसपेरेंसी, ये सब मेरे में आगे गति करने के लिए, क्रिया के लिए कारण बनते हैं। ऐसे ही पता लगता है कि ऊर्जा का कारण है ना एक क्रिया शून्य ही पदार्थ जगत में। इस पर और डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो मुझे लगता है इसको आज यहां रोकते हैं। आपका
बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, बहुत अच्छा लगा, है ना, आप लोग इतने मनोयोग से सुन रहे हैं। और कल सुबह का सेशन एक बार मैं फिर रिमाइंड करा दूं, कल सुबह साधन भाई का सेशन रहेगा और मैं चाहता हूं आप लोग अधिक से अधिक इसका लाभ लें, क्वेश्चन आंसर पहले से भेज दें, अटेंड करें। कुछ मैसेज आ रहा है कि छोटा है अभी, जस्ट मैं एडजस्ट कर रहा हूं इसको। तो मानव सहज प्रयोजन के ऊपर पूरी चर्चा चल रही है। लास्ट में मैं किस तरह से जीवन विद्या का जो प्रस्ताव है वो भिन्न है ना, बाकी के भौतिकवाद और आदर्शवाद से, और किस तरह से मुझे उसमें भिन्नता दिखाई देती है, उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया, तो इसको उसके बाद हम लोग कर लेंगे। कल हम लोगों ने जो चर्चा की थी, है ना, उससे इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ज्ञान अवस्था में मानव ही चारों अवस्थाओं का दृष्टा है, चैतन्य इकाई में अर्थात मानव में एक रूपता जागृति को पाने हेतु प्राप्त समझ ही संस्कार है। तो फाइनली संस्कार का मतलब क्या है कि जहां पर मानव में एक रूपता हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब अपन ये कह रहे हैं कि सही में एक और गलती में अनेक हैं, क्योंकि अभी तो विज्ञान और आजकल के उसमें हम ये पहुंच गए हैं कि सही गलत किसी का अपना अपना ही होता है ना, इट्स ए मैटर ऑफ परसेप्शन, जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि मैटर ऑफ परसेप्शन नहीं है, बल्कि जब सच्चाइयाँ समझ में आती हैं तो उनमें कोई विविधता नहीं रहती। और आज के इस मॉर्निंग सत्र में भी हम लोगों ने इस बात को, तो साधन भाई ने बहुत ही अच्छे ढंग से रखा कि किस तरह से जब साक्षात्कार, है ना, वृत्ति का चित्त में प्रत्यावर्तन होता है, चित्त का बुद्धि और बुद्धि का आत्मा में, और तो जो सच्चाइयाँ जो निरंतर वस्तुएं हैं क्योंकि उनमें कोई विविधता नहीं है, तो इस तरह से ज्ञान अवस्था में मानव ही चारों अवस्थाओं का दृष्टा है और चैतन्य इकाई में एक रूपता जागृति को पाने हेतु प्राप्त समझ, वहां से ही मानव में एक रूपता की शुरुआत होती है। यह समझ ही मानव के लिए समाधान समृद्धि पूर्वक जीने का कारण है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाधान के बिना समृद्धि को नहीं पाया जा सकता, क्योंकि समाधान माने समझ में ही ये पता चलता है कि हमारी आवश्यकताएं हैं कितनी। जब आवश्यकताओं का निर्धारण होता है उसी के बाद ये कहना बनता है कि अब मेरे पास अपनी आवश्यकताओं से अधिक करने का, उत्पादन करने का, आवश्यकताओं से अधिक मेरे पास हो गई हैं वस्तुएं, इस वजह से समृद्धि समझ के बाद ही, समझदार व्यक्ति ही समृद्ध होने के लिए सक्षम हो पाता है, और समझ के आधार पर व्यवहार कार्य होता है। इससे सिद्ध होता है कि चैतन्य इकाई आशा विचार इच्छा एवं रितंबरा और अनुभव का रूप ही है, क्योंकि समझने की ताकत, है ना, आशा करने की ताकत, विचार करने की, इच्छा करने की, ये चैतन्य इकाई में होती है। उसी रूप की अभिव्यक्ति में जो सार्थकता है वह स्वयं में अनुभव मूलक आशाओं विचारों इच्छाओं और रितंबरा और अनुभव का बीज रूप और प्रमाण है। तो इसमें सार्थकता क्या है, जो अनुभव संपन्नता ही इसमें सार्थकता है। ये बहुत ही नीचे का सूत्र मुझे बहुत बढ़िया लगता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी मैंने एक दो अलग ढंग से उदाहरण देकर के बताने की कोशिश की पहले। तो मानव तब तक जड़ पक्ष के अधिमूल्यन से मुक्त नहीं हो सकता जब तक अपने में निर्भ्रमता को संपन्न करने योग्य क्षमता, योग्यता और पात्रता को सिद्ध नहीं कर लेता। तो हम चाहें भी समझदारी से पहले या निर्भ्रमता से पहले कि हम जड़ पक्ष का अधिमूल्यन ना करें, अर्थात प्रिय हित लाभ का अधिमूल्यन ना करें, शुद्धा संग्रह का अधिमूल्यन ना करें, भक्ति विरक्ति का अधिमूल्यन ना करें, है ना, ये संभव ही नहीं है, है ना। ये कब संभव होता है, जब मानव निर्भ्रमता को पाता है, ज्ञान संपन्न हो पाता है। इसलिए जब तक हम ज्ञान संपन्न नहीं हो पाते हैं तब तक गलतियां हो जाना ना चाहते हुए भी ये स्वाभाविक बात है। तो यह केवल जागृति से ही संभव है। ऐसी क्षमता, योग्यता और पात्रता सिद्ध होने तक जड़पक्ष एवं इंद्रिय संवेदनाओं पर नियंत्रण व संतुलन पाना स्वभाव सिद्ध नहीं हुआ है। और ये पूज्य बाबा जी ने बहुत ही अच्छे से, यदि आप लोगों ने खैर पढ़ा ही होगा जीवन विद्या एक परिचय, उसमें लगभग जहाँ तक मुझे याद आता है पेज नंबर 9 पर उन्होंने लिखा है
कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके मन में ऊट पटांग विचार आए, और कार्य तो करना ही नहीं चाहता, और सामान्य व्यक्ति भी नहीं चाहता। तो ये तो निश्चित ही है कि जो साधक है, जो साधनारत है, जो किसी अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रयासरत है, वो तो बिल्कुल ही इसको नहीं चाहता। लेकिन जब तक, माने साधना विधि की यदि बात करें, तो जब तक वो समाधि को नहीं पा जाता, तब तक उसमें उल्टे पुल्टे विचार नहीं आते हों, ऐसा हो नहीं पाता है। और उन स्थितियों में कभी कभी जो होना होता है वो हो ही जाता है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि जागृति से पहले तक जड़ पक्ष का अधिमूल्यन से मनुष्य मुक्त नहीं हो पाता है, है ना। इस वजह से उन जड़ पक्ष पर या इंद्रिय संवेदनाओं पर, माने वस्तु और इंद्रिय संवेदनाओं पर नियंत्रण और संतुलन पाना सिद्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि भ्रमित विधि से। इसलिए मैं इसलिए इस बात को इसलिए भी रखा कि हमें, माने ऐसी जब घटनाएं घटती हैं तो हमें एक अपने में एक दया दृष्टि, क्षमा दृष्टि होने की आवश्यकता है, क्योंकि भ्रमित विधि से मानव शरीर से सुख पाने की अपेक्षा में, शरीर से सुख पाने की अपेक्षा में ही आशा विचार इच्छा को फैलाता है, ऐसे में भ्रमित कार्यकलाप करता है। जागृत विधि से स्पष्ट होता है कि मानव वंश और जाति एक ही है तथा वैचारिक वैविध्यता भ्रम बस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जागृत विधि से स्पष्ट हो जाता है, अर्थात जागृति विधि में ही स्पष्ट होता है कि मानव वंश या मानव जाति सिर्फ एक मानव, अभी हमने जो अलग अलग जाति संप्रदाय मत बना रखे हैं, ऐसा नहीं है, मानव जाति एक ही है। क्या मतलब है मानव जाति का? कि हर मानव शरीर जागृति को प्रमाणित करने योग्य क्षमता से संपन्न है। इस अर्थ में कह रहे हैं कि मानव जाति एक ही है, क्योंकि जाति अभी ऐसे देखेंगे तो शरीर के रूप में विविधता है, लेकिन शरीर का प्रयोजन सिर्फ अपने में जागृति को समझना और जागृति को व्यक्त कर पाना, उस अर्थ में सारे शरीर एक जैसे हैं। इस तरह से मानव वंश या मानव जाति एक ही है तथा जो भी वैचारिक विविधता है, मतभेद है, ये भ्रम बस है, नासमझी बस है, अजागृति बस है, और जब सच्चाइयां समझ में आती हैं तो सारा भ्रम मुक्त हो जाता है। और भ्रम मुक्त स्थिति में, जैसे आगे भी था कि हर दिव्य मानव में साम्यता पाई जाती है, उदाहरण के रूप में जैसे कह रहे हैं कि भ्रमित मानव, तो भ्रमित मानव में कैसी वैचारिक विविधता रहती है कि जैसे एक भ्रमित मानव कुछ समय तक उदार चित्त रहता है, परंतु कुछ काल के पश्चात कृपण हो जाता है, है ना। इसी प्रकार विभिन्न दिशाओं में विपरीत कार्य संपन्न करता हुआ मानव जीवन, भ्रमित मानव परलक्षित होता है। तो ये देखने को मिलता ही है कि जब हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, जैसे मान लो किसी दिन बर्थडे है, कोई प्रमोशन हुआ है, तो उस दिन हम ऑटो वाले को या टैक्सी वाले को या टिप दे देते हैं, या घर में आते हैं और बच्चे से गिलास टूट जाए, कुछ गलती हो जाए, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं चलेगा क्योंकि आज हमारा मूड अच्छा रहता है। लेकिन वही व्यक्ति जब उसका मूड ठीक नहीं है तो वो कृपण हो जाता है, है ना, जो लाखों का दान देता है कई बार ऑटो वाले से 25 रुपए पे लड़ाई लड़ लेता है। तो इस तरह से ये दिखता है कि भ्रमित मानव कुछ समय उदार चित्त रहता है, परंतु कुछ काल के पास पश्चात कृपण हो जाता है। इसी प्रकार की विपरीत कार्य संपन्न करता हुआ और भी आयामों में और भी दिशाओं में उसका दिखता है। मानव का इन्हीं सा विपरीत क्रियाओं में ही अपनी मानसिकता का प्रदर्शन प्रतिदर्शन करना सिद्ध हुआ है, यही भ्रमित मानव का स्वरूप है। अच्छी बात इसमें भी ये है कि ये सारी घटनाएं उसके लिए पुनर्विचार का प्रेरक भी हैं। उसका भी ध्यान जाता है कि यार आज कैसे डांट दिया, है ना, आज क्या हो गया। तो जो विपरीत प्रदर्शन, क्योंकि क्योंकि मानव दूसरे का दृष्टा नहीं है, मानव अपने भी कार्य व्यवहार और विचार का दृष्टा है, इस अर्थ में वह स्वयं के लिए भी ये सारी घटनाएं उसमें स्वयं पुनर्विचार का कारक या प्रेरक भी बनती हैं। दूसरी घटना, एक व्यक्ति अजागृत है अर्थात भ्रमित है, दूसरे जागृत व्यक्ति के संपर्क में आकर उसमें जागृति के लिए तृषा उत्पन्न हो जाती है और उसमें जागृति प्रारंभ भी हो जाती है यदि उस तरफ प्रयास करता है। तो इसको कह रहे हैं कि यह वातावरण के प्रेरणा बस पाई जाने वाली जागृति क्रम और जागृति की प्रक्रिया है। तो ऐसा होता ही रहता है, यही एक, इसलिए एक सूत्र भी आया था कि मानव के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली यदि कोई वातावरण है तो वो मानवीय वातावरण ही है। प्राकृतिक वातावरण तो शरीर को बनाए रखने के लिए चाहिए ही, है ना। तो मूल रूप में जागृति के लिए यदि कोई प्रेरणा का वातावरण है मानव के लिए, तो वो मानवीय वातावरण है। जागृति की निरंतरता ही मानव परंपरा सहज महिमा है। जागृति क्रम में संस्कार के दो भेद हैं। आज सुबह भी साधन भाई ने इसको अपने प्रेजेंटेशन में रखा, क्या सुसंस्कार और कुसंस्कार। तो
तो क्या चीज है भाई सुसंस्कार? तो जागृति योग प्रवृत्तियां जो मानव द्वारा व्यवहृत हैं, ऐसी प्रवृत्तियां जो मानव व्यक्त करता है, किस तरह की जागृति योग प्रवृत्तियां, अर्थात संबंधों में मूल्यों को पहचान पाता है और निर्वाह कर पाता है ना, या न्याय धर्म सत्य पूर्ण दृष्टि से काम कर पाता है। तो जागृति योग प्रवृत्तियां जो मानव द्वारा व्यवहृत हैं तथा विचार रूप में अवस्थित हैं, है ना, समृद्ध समाधित समाधानित अथवा सार्थक प्रवृत्तियां ही सुसंस्कार है, इसी को सुसंस्कार कह रहे हैं। कुसंस्कार क्या है? जीवों के सदृश जीने की जो प्रवृत्ति है, अर्थात जो चार विषयों में जीने की प्रवृत्ति है या चार विषयों से ही निरंतर सुखी होने, सुख को खोजने की जो प्रवृत्ति है, उसको कुसंस्कार कह रहे हैं। विकास की ओर कुंठित करने वाली प्रवृत्तियां जो विकास को रोकती हैं, ऐसी प्रवृत्तियां जो मानव द्वारा व्यवहृत हैं या विचार रूप में है उसमें, अर्थात जो ह्रास की ओर गति योग प्रवृत्तियां हैं एवं विचार हैं, यही कुसंस्कार है। समस्त सुसंस्कार, कल भी ये चर्चा आई थी कि संस्कार यदि सुसंस्कार है अर्थात सही अर्थ में स्वीकृतियां हैं तो वो कोई बाधा नहीं है। समस्त सुसंस्कार अंततो गत्वा प्रवृत्तियां एवं इच्छा के रूप में प्रवर्तित होकर समय स्थान एवं अवसर पाकर कार्य क्रिया व्यवहार एवं अनुभूति के रूप में प्रमाणित होते हैं। जो आज साधन भाई ने बहुत अच्छी बात रखी थी कि जब चित्त में साक्षात्कार होता है, वृत्ति चित्त की ओर जब प्रत्यावर्तित होती है और चित्त बुद्धि की ओर जब प्रत्यावर्तित होता है तो अवधारणाएं बनती हैं, उन अवधारणाओं को ही अपन सुसंस्कार कह रहे हैं, है ना। और उससे जो संकल्प होता है कि अब ऐसा जीना है, उसके लिए इच्छा माने जो योजना बनाता है, चित्र निर्माण करता है ऐसा जीने के लिए मानवीयता ढंग से, और उसके लिए समय का स्थान का अवसर का निर्धारण करता है और विचार में विश्लेषण करता है, और उस विश्लेषण द्वारा जब कार्य क्रिया व्यवहार और अनुभूति के रूप में वो प्रमाणित होते हैं या वो सफल होते हैं असफल होते हैं, तो पुनः विचार करना पड़ता है कि चूक कहाँ हो गई और इसको कैसे ठीक किया जाए। तो मानव ने, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आई थी आज के मॉर्निंग के सेशन में, कि एक बार अवधारणा बनने के बाद उसको जीने के लिए डिजाइन बनता ही है, और जीने के बाद ही वो हमारे अनुभव में फलित होता है ना, और प्रमाणित होता है। इस तरह से अनुभव संपन्न होने के लिए अध्ययनगामी विधि में जीना एक आवश्यकता है ना। और श्रवण मनन निधि ध्यासन का भी मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही भैया ने अच्छे से रखा है ना, कि किस तरह से श्रवण की शुरुआत का क्या मतलब है ना। तो सुनना, सुनने का मतलब सिर्फ, वैसे तो इंग्लिश में भी आजकल लोग करते हैं हियरिंग वर्सेज लिसनिंग, है ना, तो सुनना माने लिसनिंग है ना, कि सुने और उसका वो स्मरण में भी रहे। सुनने का मतलब केवल ऑडियो वीडियो सुनना नहीं है, पढ़ना भी फाइनली सुनना ही है। हमारे स्मरण में यदि कोई चीज़ आ जाती है स्मरण पूर्वक, और फिर जब मनन होता है जिसमें तर्क भी स्पष्ट हो जाए, तो ये जो अब हम लोग, आप लोग अधिकतर लोग परिचय शिविर कर ही चुके हैं, तो हम अब अभी जो ये बेसिकली पठन कर रहे हैं, एक बार फिर से ठीक ठीक से सुनने का प्रयास कर रहे हैं और अपने में मनन भी कर रहे हैं, इनको तर्कों में बिठा भी रहे हैं, क्योंकि ये जो चर्चा है, ये जो प्रचलित अभी की चर्चा है या प्रचलित जो दर्शन है ना, उससे भिन्न है प्रचलित जो मानव जिस ढंग से जी रहा है, तो इनको हमें नए तर्कों को अपने ढंग से लगाना पड़ता है। तो मनन का काम है तर्क तृप्ति या तर्क की संतुष्टि होना। तो मानव ने जड़ चेतन एवं व्यापक के संबंध में अपने महत्व को पहचानने का प्रयास किया है। तो क्या कर रहा है मानव? सारी सृष्टि को हर मानव दृष्टा आंशिक रूप में दृष्टा रहता ही है, और जड़ चेतन एवं व्यापक के रेफरेंस में, उसके संबंध में, उसके रिलेशंस में अपने महत्व को पहचानने का प्रयास करता ही है। व्यापक सत्ता अथवा ज्ञान की अनुभूति के बिना पूर्ण विवेक एवं विज्ञान का उदय नहीं होता, माने पूरी सच्चाइयां समझ में नहीं आती, है ना। विवेक, पूर्ण विवेक एवं विज्ञान के अभाव में सामाजिकता के संरक्षण और संवर्धन संभव नहीं हो पाता है। समुचित विधि एवं व्यवस्था के अभाव में मानव द्वारा मानव का शोषण होता है, जो पोषण होना चाहिए। तो बेसिकली विवेक और विज्ञान के उदय के अभाव में और विधि और व्यवस्था के अभाव में मानव के द्वारा ही मानव का शोषण हो जाता है। तो पूर्ण विवेक एवं विज्ञान के उदय के अभाव के कारण जो जैसा है उसे वैसा समझने में मानव असमर्थ होता है, और यही भ्रम का कारण है। तो फाइनली भ्रम क्या है? तो भ्रम इतना ही है कि हमारे में पूर्ण विवेक और विज्ञान का उदय नहीं हो पाता, और पूर्ण विवेक और विज्ञान का उदय नहीं हो पाने के कारण
हम सच्चाइयों को समझ नहीं पाते और फिर भ्रमित होकर के हमसे गलतियां होती हैं। सर्वप्रथम मानव स्वयं को समझना ही चाहता है, पर उपरोक्त वर्णित असमर्थता के कारण स्वयं का सही सही मूल्यांकन नहीं कर पाता। इसी स्थिति को पूर्व में भ्रांत के नाम से परिचित कराया है, जिसमें भ्रांत शब्द आया था, भ्रांत पद है ना, शोषण क्रिया इसी भ्रांति स्थिति का परिणाम है। अतः जागृति की ओर प्रवृत्त होने के लिए एक मानव की सार्थक प्रयुक्ति यही है। ये बहुत ही लास्ट का है ना जो पैराग्राफ है, क्योंकि कई कई लोगों ने इसको पूछा भी कि भाई करना क्या है जागृति के लिए, है ना। तो जागृति की ओर प्रवृत्त होने के लिए एक मानव की सार्थक प्रयुक्ति यही है कि वह अपने से जागृत मानव के निर्देश आदेश एवं संदेश की ओर अपनी ग्रहणशीलता को अभिमुख बनाए रखे। केवल इसी प्रक्रिया से मानव सृष्टि में अपने महत्व को जानने व पहचानने में सफल होता है, जिसको मैंने कहा कि मानवीय वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण वातावरण है और अध्ययन इम्पोर्टेंट है, और अध्ययन के लिए अध्ययन अध्यापन के लिए परस्पर एक दूसरे के साथ सहयोगी होना है ना, और विकसित जागृत व्यक्ति का सहयोग सानिध्य उपलब्ध होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। अपने महत्व को जानने व पहचानने पर ही विश्राम सहज उपलब्धि संभव है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है ना, और बहुत ही जहाँ से शुरू किया कि मानव सहज प्रयोजन क्या है, तो विश्राम ही मानव सहज प्रयोजन है। और विश्राम की स्थिति मानव में श्रम का विश्राम तभी महसूस होता है जब जो वो उपलब्धि चाहता है और जिस उपलब्धि को पाने के लिए श्रम करता है वह उसको उपलब्ध हो जाए। तो मानव का तो उपलब्धि है ना सुख शांति संतोष आनंद या समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व ही है, उसको पाने के लिए सारी सृष्टि को माने ब्रह्म मुक्ति को पाना होता है ना, और सृष्टि में जो सच्चाइयाँ हैं निरंतर सच्चाइयाँ उनको पहचानना होता है, और उसको पहचानने का एक उपाय अध्ययन है। और अध्ययन केवल किताब नहीं है, अध्ययन मानव के साथ संबंध पूर्वक ही सफल होता है। इस तरह से ये पूरी बात अपन ने रखी, बहुत बढ़िया। तो इससे अब दो काम है, एक तो कोई भी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं है ना, और जब तक कि कुंठित करने वाली, बलजीत भाई लिख रहे हैं कुंठित करने वाली प्रवृत्तियों को समझाएं है ना, तो कुंठित करने वाली प्रवृत्ति का यही मतलब है कि हमारे में उत्साह निरुत्साह में बदल जाए। क्या उत्साह है? कुंठा का मतलब है कि हमारे में उत्साह जो था वो निरुत्साह में बदल गया। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि मैंने जिनसे जो अपेक्षा की थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अपेक्षा करने वाला तो मैं हूं, और यदि वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई इसका मतलब जिससे मैंने अपेक्षा की मेरे मूल्यांकन में चूक हो गई है ना, मेरे मूल्यांकन करने में गलती हुई। इसलिए मैंने जिससे जो अपेक्षा की या अपने से ही जो अपेक्षा की उसमें मैं खरा नहीं उतरा, या वो अपेक्षाएं फलित नहीं हुई। इसमें कुंठित होने की बजाय एक लर्निंग फेज में हमें जाना चाहिए कि मेरे मूल्य में अपना ही ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाया, या अपनों का मूल्यांकन नहीं कर पाया, या जिसका जो ऐसा मूल्यांकन किया वैसा नहीं निकला, एक बार फिर से पुनः प्रयास करने के लिए, क्योंकि ये जर्नी ही है, भ्रम से जागृति की ओर जर्नी है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि हमें अपने पर ही है ना बार बार सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरा ही मूल्यांकन गलत निकल गया, अर्थात मेरे में मूल्यांकन करने की क्षमता ठीक नहीं है, पुनः अपनी योग्यता पात्रता को बढ़ाया जाए है ना, जिससे कि अगली बार हम ठीक ठीक सटीक लोगों का मूल्यांकन कर सकें। बढ़िया। तो अब मुझे एक दूसरा, अभी और तो कोई क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं, तो एक हम लोग एक दूसरा वो करते हैं, एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। किस तरह से मैं देखता हूं कि मध्यस्थ दर्शन जो है एक अपग्रेड है अर्लियर फिलोसफीज का है ना, माने जो पहले जो फिलोसफीज आई हैं उनका, किस तरह से मध्यस्थ दर्शन एक नई, क्या नई चीजों को कह रहा है पहले की तुलना में, उस पर एक है ना, तो किस तरह से हायर वर्जन, जैसे सॉफ्टवेयर में अभी अभी मैंने अपने लैपटॉप पर विंडोज 7 से विंडोज 10 इसको किया है ना, तो हायर वर्जन
मैं ऐसा मानता हूं कि मध्यस्थ दर्शन भी बेसिकली एक हायर वर्जन है ना, जो आदर्शवाद और भौतिकवाद के विकल्प के रूप में भी है। तो इसमें क्या ऐसी खूबियां हैं, क्या ऐसी बातें ये कह रहा है, क्या ऐसी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर पाएं, क्योंकि ये सवाल हमारा अपने से भी रहता है, अपने भी हमारे अपने हैं जिनको हम जब बताना चाहते हैं तो वो पूछते ही हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या नई चीज़ है। तो मैं कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी है ना, उनको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक तो आदर्शवाद में यदि अपन देखें तो आदर्शवाद बेसिकली एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की बात कर रहा है ना। यहां पर यह कहा जा रहा है कि ईश्वर उस ढंग से सर्वशक्तिमान नहीं है जैसा कि मैंने यहां नीचे कॉलम में लिखा है कि जो कर्ता दृष्टा और भोक्ता के रूप में, ऐसा कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं है। एक मजेदार बात है हमारे माने ईस्टर्न फिलोसफीज में, हम ईश्वर को दो ढंग से बात की गई है। एक तो इस ढंग से बात की जा रही है ईश्वर की, जिसको हम ये भी कहते हैं कि यार ईश्वर जो है वो कण कण में है ना, कण कण में ईश्वर है। इससे ऐसा लगता है कि एक फैली हुई वस्तु है कोई ईश्वर, लेकिन हमारी दूसरी मान्यताएं ईश्वर को लेकर के व्यक्तिवादी भी मान्यताएं हैं, क्योंकि हम उसमें एक व्यक्ति का आरोपण भी करते हैं है ना, और हम ऐसा मानते हैं कि कोई वो एक बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में कोई है जो हमारे ऊपर कृपा दृष्टि करेगा, जो जन्म मृत्यु डिसाइड करता है, जो लाभ हानि डिसाइड करता है, जो यश अपयश डिसाइड करता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, ये इसमें अपग्रेड कर दिया गया इस वर्जन को, कि ये जो कर्ता दृष्टा भोक्ता का जो पद है ये बेसिकली मानव और मानव जाति के संयुक्त स्वरूप में पाया जाता है। इससे क्या हो रहा है कि एक तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, तो करने वाला ऐसी यदि इस अस्तित्व में कोई है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मानव है ना, कर्ता का पद, दृष्टा का पद और भोगने सुख और दुख को भोगने वाला भी। और एक बहुत अच्छी घटना है ये, क्योंकि इस तरह से ये अपग्रेड हो गया कि पहले लगता था कि यदि कर्ता तो वो है और भोगता मैं हूं अर्थात दुखी मैं होता हूं है ना, ये तो डाइकोटॉमी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए है ना। जैसे आमिर खान ने भी अपनी इस मूवी में कहा, फिर तो उसी पर केस करना पड़ेगा है ना। तो अपग्रेड क्या हो गया, और कि मानव ही कर्ता दृष्टा भोगता है। इससे अच्छी बात, कई बार शिविरों में लोग बोलते हैं कि भैया आप तो हमारा ईश्वर ही छीन ले रहे हो है ना, तो ऐसा नहीं है कि अपन ईश्वर को छीन नहीं ले रहे हैं है ना, बल्कि ईश्वर अपग्रेड हो रहा है ना। कैसे अपग्रेड हो रहा है, कि जो ईश्वर है ना, वो उस मानव में जो मानव का पद बड़ा हो गया, तो हमें जिम्मेदारी की बात आ गई। जिम्मेदारी आना जरूरी भी है, क्योंकि जिम्मेदारी के आने से ही है ना हमारे में अपने प्रति है ना, तो ईश्वर को ले विड्रॉ करने की बात नहीं हो रही है, बल्कि मानव ही ईश्वरीय स्वरूप में हो सकता है, जिसको दया कृपा करुणा की बात की, या कर्ता दृष्टा भोक्ता की बात की, जन्म मृत्यु की बात की, लाभ हानि की बात की, या सत्य ये जो सारी बातें हैं ये मानव से जुड़ी हुई बातें हैं। और जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की जो बात है, यहां पर ये कहा जा रहा है कि इस तरह का उस ढंग से कोई शक्ति केंद्रित ईश्वर नहीं है, जिसको मान करके हमने, जो राकेश गुप्ता जी ने पहले रखा था कि ऐसा मान करके हमने है ना राजा में उसी शक्ति को केंद्रित करने की बात की, या फिर सभा में केंद्रित करने की बात की, जबकि ये कहा जा रहा है कि इस तरह का सर्वशक्तिमान नहीं है ईश्वर, बल्कि है ना वो तो व्यापक के रूप में है, पारदर्शी के रूप में है, पारगामी के रूप में है, ऊर्जा के रूप में है ना, चेतना के रूप में है, ज्ञान के रूप में है। तो इस तरह से जो सर्वव्यापक है ना, उसमें वो ऊर्जा के रूप में, ज्ञान के रूप में, पारगामी के रूप में, चेतना के रूप में पाया जा रहा है। एक मिनट, मेरी दूसरी स्लाइड कहाँ गई भाई, आई एम जस्ट लर्निंग दिस ऐप, सो लेट मी सी वेयर आई पुट दैट। हाँ, दूसरा आदर्शवाद से जो किस तरह से अपग्रेड हुआ है, आदर्शवाद ये कह रहा है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या,
तो यहां क्या कह रहे हैं, ब्रह्म माने जो ईश्वर है वो तो सत्य है। सत्य का मतलब जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना, एक समान बना रहता है, एक जैसा नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध है ना बना ही रहता है। लेकिन अपग्रेड कहां होगा, जगत शाश्वत के रूप में अपग्रेड हो गया। तो जगत कैसा है, जगत शाश्वत है, जगत भी निरंतर बना रहता है, जगत माने प्रकृति है ना। तो व्यापक भी, ईश्वर भी हमेशा बना हुआ है और प्रकृति रूपी इकाइयां भी निरंतर बनी रहती हैं, है ना। जगत शाश्वत है, इकाइयां अविनाशी हैं, जितनी भी इकाइयां हैं चाहे वो मिट्टी हो, पेड़ हो, पत्थर हो, लोहा हो, चांदी हो, इनमें रूप परिवर्तन तो होता है ना। इसलिए ऐसा भी कहा कि हर इकाई का धर्म है, मानव का धर्म जिस तरह से सुख धर्मी है, हर पदार्थ का धर्म अस्तित्व है, मतलब अपने को बनाए ही रखता है, बना ही रहता है। तो एक अपग्रेड क्या हुआ, जगत मिथ्या नहीं है, जगत शाश्वत है, इकाई अविनाशी है। और दूसरी चीज कही जा रही है, इंपॉर्टेंट चीज, परमाणु व्यवस्था की मूल इकाई है, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्यवस्था की मूल इकाई क्या है, परमाणु है, और परमाणु में ही विकास होता है, और जड़ परमाणु ही चैतन्य हुआ है। देखिए, मानव जाति तो अस्तित्व को, जैसा पहले भी आया कि मानव तो अस्तित्व को समझने का प्रयास करता ही रहता है, करता ही रहा है। तो उस अस्तित्व को समझने में बेसिक सवाल आते हैं कि भाई मैं कहां से आया, है ना, ये सच्चाइयां क्या हैं, है ना। तो अभी तक यदि आदर्शवादी ढंग से देखें तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रतिपादन है, जिसमें ये कह रहे हैं कि इकाइयों का जो बनाने का काम है वो ईश्वर ने कहीं किया, है ना। किसी किसी धर्मों में कह रहे हैं कि 6-7 दिन के अंदर आज ईश्वर का कुछ मन हुआ तो कुछ बनाया, अगले दिन कुछ और बनाया, ऐसे ऐसे कुछ कुछ उत्पत्ति कह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे इकाई की कोई उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि इकाई तो रहती ही है। तो एज ए मिनिमम पदार्थ और ब्रह्म, है ना, ब्रह्म माने व्यापक और इकाई पदार्थ के रूप में एज ए मिनिमम हमेशा बनी ही रहती है। यदि इस धरती का हम विनाश भी कर देंगे तो विनाश का इतना ही मतलब होगा कि जो अभी मानव इस धरती पर दिखाई दे रहा है वो मानव खत्म हो सकता है, पशु पक्षी खत्म हो सकते हैं, प्राण अवस्था की जो पेड़ पौधे हैं वो खत्म हो सकते हैं, लेकिन पदार्थ को मिटाया नहीं जा सकता। तो ब्रह्म और पदार्थ, है ना, इसीलिए कल भी मैंने बात की थी कि फिर वही पदार्थ, है ना, प्रकट होता है प्राण अवस्था में, क्योंकि उसमें बीज में जो पूर्ण है, व्यापक रूपी पूर्ण में गर्भित हैं सारी इकाइयां, इसलिए पूर्णता की ओर प्रयास, है ना, दिशा एक बना ही रहता है। तो इस तरह से आदर्शवाद से यहां पर एक कुछ चीजें मुझे जो अच्छी लगी, जो भिन्न कही जा रही हैं। और क्या भिन्न कहा जा रहा है आदर्शवाद, और इसमें ये कहा जा रहा है कि जागृति के लिए मध्यस्थ दर्शन कह रहा है कि मानवीय वातावरण ही सबसे अधिक प्रभावशील वातावरण है, जबकि अधिकतर, माने मैंने पूरा आदर्शवाद तो नहीं पढ़ा इसलिए मैं ये कहना थोड़ा सा मेरा ज्यादा हो जाएगा, बट जितना छोटा मोटा मुझे पता है उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर कृपा की बात करते हैं कि ईश्वर कृपा जरूरी है। यहाँ ये कह रहे हैं कि ईश्वर कृपया, ईश्वर प्रेरणा सभी को समान रूप से बिना भेदभाव के प्राप्त ही है, है ना। तो इसलिए अपने अपने ऊपर ही अपनी कृपा होने की जरूरत है, ईश्वर कृपा है ही, क्योंकि व्यापक के रूप में ईश्वर सबको बिना किसी भेदभाव के समान रूप से, है ना, बल्कि अपनी ही पात्रता अनुसार इकाई उसको व्यक्त कर पाती है। तो अपनी ही पात्रता विकास करना है, अपनी योग्यता का विकास करना है, अपनी क्षमता को पाना है, है ना। उसके लिए यहाँ पर जो बेसिक बात की जा रही है कि ईश्वर को रिझाने की बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर उस ढंग से वो व्यक्तिगत स्वरूप में नहीं है कि जिसको खुश किया जाए, है ना। ईश्वर तो साम सत्ता के रूप में प्राप्ति है, और ईश्वर को यदि हम एक दिव्य मानव के रूप में पहचाने तो उसकी उसको कोई रिझाने का मतलब नहीं है। वो तो हमेशा दया कृपा करुणा के साथ ही है, क्योंकि वो व्यापक के लक्षणों से युक्त हो जाता है, है ना। यही बेसिकली पूर्ण में गर्भित होने से पूर्ण जैसे लक्षण उसमें आ जाते हैं, हम सब भी इसी के प्रयास में हैं। तो ईश्वर कृपा प्रेरणा सभी को प्राप्त है। एक्चुअली दूसरे ढंग से देखें तो ईश्वर ही वो वस्तु है या वास्तविकता है जिसके लिए जो हमें प्राप्त ही है उसका, सिर्फ इसीलिए कहा भी है, प्राप्त वस्तुओं का सहवास होता है और प्राप्त वस्तु का सिर्फ अनुभव होता है। तो इसलिए तो ईश्वर का तो सिर्फ अनुभव ही करना मात्र है। दूसरी चीज अलग क्या कही जा रही है कि देखिए, मानव लक्ष्य, है ना, आदर्शवाद में मानव लक्ष्य को मोक्ष, भक्ति, विरक्ति या स्वर्ग नरक की बात कही है, जबकि इस अपग्रेडेड वर्जन में, यदि मैं इस तरह की भाषा का यूज करूं, तो ये कहा जा रहा है भैया भ्रम मुक्ति ही मोक्ष है ना। जन्म मरण से मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जन्म लेना और शरीर को छोड़ देना कोई अपने आप में पीड़ा की बात भी नहीं है, कोई बंधन ही नहीं है। बंधन तो मेरी मानसिकता में है, ना समझी में है, है ना। ये भी एक मजेदार बात है, हम लोग
माने मरने के लिए शायद डिजाइन ही नहीं कर रहे, मतलब हम ऐसा लगता है कि जैसे कभी मरना ही नहीं है, जितना हम लाइफ स्पेन बढ़ाते जा रहे हैं, है ना, 80 साल में भी हम लगता है हम आईसीयू में एडमिट हो जाएं और कोई तो बचा ले, ये भी समझ में नहीं आता कि और 6 महीने बचने के बाद करने क्या वाले हैं। क्योंकि अधिकतर जब मैं अपने सोसाइटी में आसपास देखता हूं तो बहुत सारे बुजुर्ग लोग तो ऐसा लगता है सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि बाबा कह रहे हैं क्योंकि जीना नहीं आया इसलिए मरना नहीं आ रहा है ना, क्योंकि अभी भी मेरी शरीर से, जैसे किसी ने कल पूछा भी था कि मैं शरीर बार बार फिर क्यों लेता हूं, क्योंकि अभी मुझे लगता है शरीर से सुख भोगने के लिए, या शरीर से ही मेरे को सुख भोगना है, इंद्रियों से ही मुझे सुख भोगना है, ये लालसा, ये अभी मेरी मारा एक एक निष्कर्ष ही नहीं आया कि जो इंद्रिय सुख है वो क्षणिक है, इसमें तो संभव ही नहीं है, इसलिए निरंतर सुख को मैं पा नहीं पाया। ये भी बात ठीक ही है जो मैंने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा कि जब तक उससे बड़ी चीज नहीं मिलती है, जड़ के आस्वादन से आदमी उसके अधिमूल्यन से मुक्त नहीं हो पाता, शायद यही कारण है कि हम लोग शरीर को, है ना, किसी भी उम्र में छोड़ने की बहुत अच्छी स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं, बट ज्ञान संपन्न होने के बाद मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। तो जन्म मरण से मुक्ति को मोक्ष नहीं कह रहे, यहां कह रहे भ्रम मुक्ति ही मोक्ष है ना। तो फाइनली भ्रम मुक्ति ही मोक्ष है। और एक और चीज मुझे ऐसे याद आ रही है कि देखिए अभी भी अपनों के बीच में जो शरीर छोड़ने का सुख है, अब आजकल ये मानसिकता में नहीं रहा, पहले मुझे लगता है कई जगह था भी, है ना, कुछ परंपराओं में कि हम अपनों के बीच, है ना, अभी तो क्या आईसीयू में जहाँ मिलने भी नहीं दिया जा रहा, कभी कभी कोई जा पाता है, एक आध व्यक्ति कोई रहता है उस समय साथ में, और कब शरीर छोड़ देते हैं तो अपने, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है शरीर को ठीक से छोड़ने की। तो इस तरह से यदि देखेंगे तो जो भ्रम मुक्ति है उसको मोक्ष कह रहे हैं ना। तो जो जहां पर शरीर का से जो दबाव है, जड़ जड़ जगत का दबाव काफी संयत हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है, और यहां पर लक्ष्य को कह रहे हैं समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व ही लक्ष्य है, अर्थात अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानव लक्ष्य के रूप में है, ना कि, है ना, भक्ति वृत्ति स्वर्ग नरक। और ये कह रहे हैं कि स्वर्ग धरती ही स्वर्ग बन सकती है, धरती को ही स्वर्ग होना है फाइनली, स्वर्ग कोई दूर कहीं, है ना, स्पेस में ऐसी कोई चीज मिली भी नहीं, और हमें लगता था नरक की कामना हम करते थे कि जमीन के अंदर कहीं नरक है ना, सात सात नरकों की बात की है किसी किसी दर्शनों में, तो जमीन को तो हमने बहुत खोद के देख लिया, ये पता नहीं चलता है कि वहां पर कोई नरक है, और वैसे भी नीचे ऊपर का भी डिजाइन बड़ा अजीब है, यदि धरती ऐसे गोल है और, है ना, भारत वाला इधर खड़ा हुआ है और अमेरिका वाला ये नीचे खड़ा हुआ है, तो भारत वाले के लिए ऊपर इधर है और अमेरिका वाले के लिए ऊपर तो जो हमारे लिए नीचे है वो है, और हमारे लिए जो नीचे है ना, उसके लिए वो ऊपर है। तो बेसिकली ठीक से जब देखते हैं तो ऊपर स्वर्ग है नीचे नरक है, ऐसा कोई डिजाइन निकल के आता नहीं है। तो स्वर्ग और नरक का तो इतना ही मतलब है कि हर व्यक्ति समाधानित हो जाए, हर परिवार समाधान और समृद्धि को प्रमाणित कर सके, है ना, और समाज में अभयता हो जाए और हम प्रकृति के साथ भी, मानव के साथ भी पूरक होकर के सहस्तित्व विधि से जी सकें। इस तरह से ये जो अपग्रेडेड वर्जन है ना, मध्यस्थ दर्शन आदर्शवाद के रूप में, यदि आप भौतिकवाद की तुलना में देखें, है ना, तो भौतिकवाद तो ईश्वर को मानता नहीं है, उसको उसके अनुसार तो इकाई ही सब कुछ है, जीवन नाम की तो कोई चीज है नहीं, है ना, जो शरीर से भिन्न कोई हो, जो आज साधन भाई ने भी बात की, और सारा का सारा जो विकास है वो बेसिकली एक्सीडेंटल है। क्या एक्सीडेंट हो गया, एक बिग बैंग हो गया भाई, बिग बैंग हो गया, उसके बाद से यूनिवर्स इज एवर एक्सपेंडिंग, है ना। तो किसी ने सवाल पूछा कि भाई बिग बैंग होने के लिए, बिग बैंग होने के लिए ऊर्जा कहाँ से आई, या बिग बैंग तो था ही ना पहले, माने वो तो मटेरियल तो होना चाहिए। तो फिर आदर्शवाद कहते हैं भैया ये सवाल गलत कर रहे हैं आप, क्योंकि बिग बैंग से समय की शुरुआत है, उससे पहले के बारे में आप सवाल नहीं पूछ सकते। तो बिल्कुल वैसी ही स्थितियां हैं कि ईश्वर के बारे में और आप सवाल नहीं पूछ सकते, इसीलिए कुछ जो पॉपुलर साइंस को जो लिखते हैं लोग, है ना, फिक्शन के रूप में, फिर जॉब काप रहा है और बहुत सारे लोग वो ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि, है ना, जो भौतिकवाद है या साइंटिस्ट भी फाइनली वही वही बात कह रहा है जो आदर्शवाद या के लोग कह रहे हैं, बट ऐसा है नहीं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है, उसकी जब डिटेल को देखते हैं हम, मोटा मोटा देखते हैं कि बेसिकली ये भी कन्फ्यूजन है कि उत्पत्ति कैसे हुई, और भौतिकवादी और आदर्शवादी दोनों ही उत्पत्ति का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो कन्फ्यूजन में समानता कोई समानता नहीं कहलाती है, स्पष्टता में समानता को समानता कहा जाता है, इसलिए दोनों एक ही जगह पहुंच गए ऐसा नहीं है, दोनों जब सच्चाइयों या एक ही जगह एक ही जैसी बात बोलते उसको एक जैसा एक जगह पहुंचना कहते हैं। तो इस तरह से
भौतिक बात के अनुसार तो कोई पर्पज नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, राइट और रॉन्ग कुछ होता नहीं है, है ना, सब मैटर ऑफ परसेप्शन है। इस पर अपन अच्छी चर्चा कर ही चुके हैं। तो भौतिक बात के अनुसार तो लक्ष्य क्या है फिर मानव का, कि भैया इंद्रियों में ही सारा सुख है, खाओ पियो रैस करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, है ना, और सारा सुविधा संग्रह भोग बहुभोग अतिभोग, है ना, और इस पर हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा ऐसा इस पर कोई रोक टोक ना लगाए। लेकिन अब जिस तरह की कोरोना या इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं पिछले दशकों में जो अपन ने चर्चा की थी, तो अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैं क्या खाऊंगा नहीं खाऊंगा ये इतना भी अपनी ही चॉइस का मामला नहीं है, है ना, इसको भी समझना पड़ेगा, है ना, कुछ एक लिमिट है जिसको पहचानना पड़ेगा मानव को। तो इस तरह से मुझे लगता है ये अपग्रेडेड वर्जन है ना, मध्यस्थ दर्शन एक नई बात कह रहा है ना, और एक बहुत सुंदर बात कह रहा है, और हर चीज के बहुत तार्किक उत्तरों की बात कर रहा है, और इन चीज़ों को अच्छे से समझा जा सकता है। तो मुझे लगता है मेरी तरफ से, है ना, और अपन चर्चा कर ही सकते हैं, है ना। तो मैं एक बार ये देख लेना चाहता हूँ कि यदि कोई क्वेरीज हैं, है ना, तो उसको एक बार देख लें। बढ़िया, तो एक बार ऊपर से देख लेता हूँ कोई। अब अपन 15-20 मिनट है अपने पास, और बहुत ही अच्छी बात है ना। दिस सॉफ्टवेयर शुड बी फॉलोड इफ वी आर डूइंग पठन, इट इज इजी एंड हेल्पफुल फॉर लिसनिंग रीडिंग एंड फॉलो प्रेजेंटेशन। यस रवीश भाई, धन्यवाद। हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं सब लोग ऐसा कर पाए। श्रम का क्षोभ यानि क्या? तो श्रम का क्षोभ का मतलब है कि उस श्रम से जो मैं उपलब्धि पाना चाहता था वो उपलब्धि नहीं हुई, इसी को श्रम का क्षोभ कह रहे हैं, है ना, कि मेरा श्रम व्यर्थ चला गया, है ना। जैसे हम कोई पार्टी करते हैं ना, और या बच्चे को बड़ा करते हैं, और बच्चा कृतघ्न हो जाता है, वो कहता है आपने पिताजी मेरे लिए किया ही क्या, तो उस दिन माता पिता को लगता है कि उनकी सारी मेहनत विफल हो गई, है ना। इसको कह रहे हैं कि मेरा श्रम जो है व्यर्थ चला गया, इसका नाम है श्रम का क्षोभ हो गया। और वहीं यदि हमारे बच्चे संस्कारित हो जाते हैं, है ना, समाधान समृद्धि को प्रमाणित कर पाते हैं, समाज के लिए उपयोगी हो पाते हैं, तो माता पिता को लगता है कि उनका किया गया श्रम सार्थक हो गया, है ना। या समाज को भी, यदि समाज अच्छे नागरिकों को, है ना, बनाने में, वातावरण का निर्माण करने में सहयोगी हो पाता है, तो समाज को लगता है समाज सफल हो गया। आज बहुत सारे मैं कई कई लोगों से मेरा मिलना होता है समाज के इस इन चीज़ों के दौरान, तो ये पता चलता है उनसे बातचीत के दौरान भी कि बहुत सारे समाज में बहुत अच्छा किए हुए काम किए हुए लोग अपने आप को ऐसा मानते हैं कि वो व्यर्थ हो गया, क्योंकि जिस तरह दिशा में समाज जा रहा है और जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी, ऐसा लगता है उनकी मेहनत रंग नहीं ला पाई, है ना। तो एक बार इस ढंग से देखेंगे तो श्रम का क्षोभ का ही मतलब है। अपने से, रवीश भाई लिख रहे हैं, अपने से जागृत मानव वाली बात को स्पष्ट करें। देखिए, जागृत, अपने से अधिक जागृत मानव स्थितियां तो दो ही हैं भैया, है ना, या तो अमानव है या मानव है, आपसे पहले भी अपनी चर्चा हुई थी, है ना। तो नेक्स्ट पद तो मानव पद ही है, उसके पहले तो भैया पद नहीं है, उसके पहले हम सब अध्ययनरत हैं, है ना, इतना ही बनेगा कहते हुए इसमें लास्ट पैरा इसको फिर से पढ़ लेंगे। संस्कार तो सुसंस्कार ही होता है, कुसंस्कार के बदले अमानवीय प्रवृत्ति शब्द उचित होता है, बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं बिहारी भाई से, नवलानी जी से। बाबू सिंह नायक कह रहे हैं, दृष्टा पद एवं साक्षी होना में क्या अंतर है? बिल्कुल, मतलब जैसे मैंने कल भी कहा था कि आकाश और व्यापक में या शून्य क्या एक ही बात है, यदि हम उसी को कह रहे हैं तो शब्द हम बिल्कुल कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन परंपरा में साक्षी शब्द को अलग ढंग से भी कहा गया है। ऐसा कहा गया कि एक तरह से वो हर चीज को देख रहा है, ना उसको बुरे से मतलब है, ना राग है, ना द्वेष है, है ना, उस ढंग की बात कम से कम मध्यस्थ दर्शन नहीं कह रहा है, यदि साक्षी भाव से ऐसा मतलब है। लेकिन साक्षी भाव का मतलब है कि वो दया कृपा करुणा से ही चालित है, है ना, वो समाज में व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। और साक्षी शब्द से यदि ये माना जा रहा है ना, तो तब या वो जो व्यक्ति ज्ञान संपन्न है, एक दूसरे से जो कहा जा रहा है, माना एक दूसरे के अविकसित के विकास में सहायक है, यदि आपका यही मतलब है
तत्व, दृष्टा पद और साक्षी होना एक ही बात है। तो हम वस्तु को समझ लें, शब्द कई बार हम शब्द पर है ना आपस में ज्यादा चर्चा हो जाती कि आपका भी ये शब्द से क्या अर्थ है, अर्थ से भी आगे जाएं, यदि वो वस्तु एक ही कही जा रही है तो मैं आपसे सहमत हूं। भैया जी, सुख तृप्ति और विश्राम में क्या अंतर है? तीनों एक ही चीज को इंगित कर रहे हैं, है ना। सुख का मतलब है निरंतरता से, है ना, और तृप्ति का मतलब भी निरंतरता ही है, और श्रम का विश्राम का भी मतलब यही है। मानव गलती करने का अधिकार लेकर और सही करने का अवसर और साधन लेकर जन्म लेता है कैसे? बहुत बढ़िया। तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हर भ्रमित माने मानव में गलती करने का अधिकार है, माने कल्पनाशीलता, हर मानव के पास दो ही बेसिक चीजें हैं, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। तो मानव जब तक उसकी कल्पनाशीलता सच्चाई के साथ तदाकार नहीं हो जाती है, तब तक वो जो सही नहीं है उसको सही मान लेता है और अपना जो कार्य व्यवहार करता है उसमें गलती हो जाती है। तो अधिकार क्या है, क्योंकि मानव भ्रमित मानव भी पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और जीव अवस्था से विकसित है ही, इसलिए उनका पोषण ना करने की बजाय शोषण कर लेता है। इस अर्थ में यदि देखेंगे तो जो मानव है उसको गलती करने का अधिकार रहता है। एक मानव दूसरे मानव का शोषण कर ही लेता है, है ना, भ्रमवश। जैसे हम भी अपने बच्चे को है ना जिस तरह से लालन पालन करना चाहते हैं और जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं कि मेरी चाहत थी लेकिन ये मेरे से हो जा रहा है। तो इस तरह से मेरे पास गलती करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही अच्छी बात यह कि सही करने का अवसर भी है। जैसा कि लास्ट में उदाहरण दिया गया था कि एक व्यक्ति, अजागृत व्यक्ति, जागृत व्यक्ति के संपर्क में आता है, संबंध में आता है और प्रेरणा पाकर के सही की ओर गतिशील हो जाता है। तो हमारे में सही करने का अवसर भी बना ही हुआ है और साधन के रूप में हमारे पास तन, मन और धन है ना। प्रधान रूप में तो मन, माने मन वृत्ति चित्त बुद्धि रूपी साधन, टूल्स या अक्षय बल, अक्षय शक्तियां, है ना, और दूसरा शरीर रूपी साधन को लेकर के, और शरीर और मन के योग में फिर मैं और बहुत सारा वस्तुओं में कला मूल और उपयोगता मूल स्थापित करता हूं, है ना, जिसको फिर साधन कह रहे हैं। तो इस तरह से तीनों साधन है, तन, मन और धन। राम कुमार जी कह रहे हैं, भैया नमस्ते, मेरे कल के प्रश्न पर कृपया आप प्रकाश डालें, मैं सुबह के सेशन में नहीं था। प्रश्न यह है कि परमाणु में संकोचन प्रसारण में वृद्धि से परमाणु का गठन पूर्णता में विकास को हम कैसे समझें? तो भैया गठन पूर्णता इसको कह रहे हैं, ये अभी अपन अपने सूचना के रूप में इसको रख सकते हैं कि जब भी यदि तीन तरह की गतियां हैं परमाणु में, एक गति है जिसको कह रहे हैं वर्तुलात्मक गति, माने जो परिवेश के जो चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं अंश, या जैसे धरती जब सूरज का चक्कर लगा रही है इसको कह रहे हैं वर्तुलात्मक गति, है ना। और एक गति होती है जो धरती अपनी धुरी पर घूमती है, जिसको जब धरती अपनी धुरी पर घूमती है इसी को कह रहे हैं घूर्णन गति, है ना। तो और इन दोनों के योग में जब धरती सूरज की तरफ घूमती है तो कभी सूरज, धरती सूरज के पास आती है, दूर जाती है, ऐसा नहीं होता कि एकदम पूरा राउंड, सर्कुलर राउंड है। तो इसमें एक कंपन पैदा होता है इन दोनों के योग में होने से, एक जो कंपन है, उस कंपन, जब कंपनात्मक, इसको संकोचन प्रसारण कह रहे हैं, तो जब कंपनात्मक गति अधिक हो जाती है एक सीमा से, जैसे कि मैंने उस दिन उदाहरण दिया था कि यदि हम, है ना, मतलब ये उदाहरण तो जड़ जगत का है कि यदि हम किसी उसमें गड्ढा करते हैं, है ना, कंक्रीट को तोड़ने के लिए, तो बेसिकली क्या करते हैं, वाइब्रेटर चलाते हैं। तो वाइब्रेटर क्या करता है, वाइब्रेशन को बढ़ा जाता है, कंपनात्मक गति बढ़ा देता है। तो उनमें जो बंधन, अणुबंधन रहता है, जो आपस में एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, है ना, वो टूट जाता है। तो जैसे ही कंपनात्मक गति अधिक होती है तो ये कह रहे हैं कि गठन पूर्णता में जब परमाणु गठन पूर्ण होता है उसी समय उसमें कंपनात्मक गति बढ़ जाती है, इस फलस्वरूप वो और दूसरे परमाणुओं के साथ भार अणुबंधन से मुक्त हो जाता है और अणुबंधन से मुक्त होकर के स्वयं का एक अपना गतिपथ बनाता है और आशा के बंधन से युक्त हो जाता है। इस तरह से इसको बता रहे हैं।
जड़ परमाणु ही चेतन होता है। बहुत बढ़िया, बलजीत भाई लिख रहे हैं। क्या मेरे शरीर को जो जीवन चला रहा है ये तो अब गठनपूर्ण परमाणु है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जीवन परमाणु भी कभी जड़ परमाणु ही रहा होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो विकसित होते हुए यहां तक आया है ये बिल्कुल ठीक, आपका सोचना एकदम सही है। ये जो मैं और आप या जितने भी पशु शरीर में जो जीवन है या मानव शरीर में जीवन है या मानव और पशु शरीर जिन जीवनों ने अभी नहीं लिया है ना, वेटिंग में है जो, है ना, एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर के रूप में, तो ये सारे के सारे परमाणु ही किसी समय जड़ रहे होंगे, ऐसी संभावना ही है। और किसी एक समय में ये जड़ परमाणु ही चेतन हुए हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हर पल हम श्रम के फल को देख सकते हैं, बिल्कुल प्रतिभा बहन लिख रही, बिल्कुल ठीक बात है। कम से कम जो विचार रूपी श्रम है, जो कल्पना रूपी श्रम है, उससे तो हम सुखी दुखी इमीडिएटली होते ही हैं। जैसा कि साधन भाई ने भी कहा था कि सबसे अधिक हमारे लिए सुख और दुख कारक है वो हमारे ही विचार, हमारी ही कल्पनाएं हैं, और हमारी कल्पना, हमारे विचार, है ना, इसका फल और हमारी समझ यदि ठीक है तो हमारे पास निरंतर फल के रूप में, हमारे पास सुख के रूप में बना ही रहता है। कार्य और व्यवहार के नियम क्या हैं, है ना, तो कार्य और व्यवहार के नियम है, कार्य का नियम है समृद्धि से जुड़ा हुआ। तो कार्य का नियम जो समृद्धि से जुड़ा हुआ नियम है, इसका मतलब है कि यदि हमें, जब हम प्रकृति के ऊपर कार्य करें तो उसमें जो प्रकृति में एक आवर्तनशीलता है, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन है, जैसे प्रकृति में एक पानी का, है ना, प्रकृति में एक पानी का साइकिल है, वाटर साइकिल जिसको अपन कहते हैं, ऐसे देखेंगे तो, है ना, पानी जो है पोटेबल वाटर धरती पर सिर्फ और सिर्फ 3% है, 97% तो सेलाइन वाटर है, समुद्री, जिसमें नमक ज्यादा होता है, समुद्र के रूप में है। इस 3% में भी देखेंगे तो 2% वाटर जो है वो अंडरग्राउंड है, है ना, जिसको अभी हमने काफी खाली कर दिया। 1% वाटर है जो एबव ग्राउंड है, उसमें भी 0.66% जो है वो आइस कैप के रूप में है, बर्फ के रूप में हिमालय पे या पर्वतों पर जमा हुआ रहता है, और समय समय पर गर्मी बढ़ने से वो नदियों के रूप में बहता हुआ हमें दिखाई देता है। तो जो कार्य का नियम है, अर्थात नियम ये कहता है कि यदि हमें पानी को उपयोग करना है तो हम इसकी जो साइक्लिसिटी है उसको बनाए रखते हुए जो 0.33% वाटर है वो भी पूरी मानव जाति के लिए कई गुना अधिक है, है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, बारिश में आए हुए पानी को, नदी नाले तालाब के पानी को तो दूषित कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, उसको जब बारिश होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करते हैं, उसको जाने देते हैं और वो समुद्र में मिल जाता है या गंदा हो जाता है, और फिर हम अंडरग्राउंड वाटर निकालते रहते हैं और सब जगह फिर वाटर टेबल क्रमशः अपन देख रहे हैं कि नीचे जा ही रही है। तो कार्य का नियम तो हुआ कि हम प्रकृति में जो चक्रियता है, साइक्लिसिटी है, जो आवर्तनशीलता है, उसको पहचानते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लें, है ना, ये तो एक बात हुई। व्यवहार के नियम क्या है, तो व्यवहार का नियम है कि परिवार में जो व्यवहार का नियम है कि मानव एक दूसरे के संबंध को पहचाने, मूल्यों को निर्वाह करे, है ना, तो सात संबंध हैं उसमें निश्चित मूल्य हैं, तो मूल्यों का निर्वाह करना ये व्यवहार के नियम है, है ना। और समाज में यदि देखेंगे तो स्वधन स्वनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, है ना, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, ये व्यवहार के नियम के रूप में हमें पता लगता है। तो जैसे मैं बात कर रहा था कार्य में भी देखें तो हम पानी की टंकी अपने घर में कहाँ बनाते हैं, तो नॉर्मली हम छत पर या ऊंचाई पर बनाते हैं। नेचर को देखें तो कितनी ब्यूटीफुल डिजाइन है, उसने ऑलरेडी पानी की टंकी पहाड़ों पर बना रखी है, बर्फ के रूप में जमा है, और हमें तो टुल्लू पंप लगाना पड़ता है, माने एक एनर्जी को यूज करना पड़ता है, और उसने सोलर पंप के रूप में टुल्लू पंप लगाया हुआ है। तो अब जब आप देखेंगे तो आप गदगद हो जाएंगे, है ना, प्रकृति की इस व्यवस्था को, और हम ना समझी बस उसमें जो साइक्लिसिटी है उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही मानव के व्यवहार को अपने को पहचानना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो ये जो बुक, किसी ने पूछा, ये बुक नहीं है जो मैं अभी प्रेजेंटेशन दे रहा था, मैंने ऐसे ही पावर पॉइंट में कुछ बनाया, मुझे लगा इसको रखूं आपके साथ, ये अब आपके पास अवेलेबल ही रहेगा। निर्बीज विचार क्या है, है ना, रेखा बहन पूछ रही है। तो निर्बीज और सबीज, मैंने कहा कि ये बेसिकली परंपरा में आया हुआ शब्द है, और ऐसा मानते रहे कि सबीज विचार का मतलब है जिससे मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, है ना, जन्म को लेने को हम लोगों ने ठीक नहीं माना है परंपरा में। यहां पर ये कह रहे हैं कि जो सबीज विचार है वो भ्रमित मानव का जो विचार है वो सबीज विचार है, या
शरीर की इंद्रियों से सुखी होने का विचार है वो सबीज विचार है, और जो मानवीयतापूर्ण विचार है वो निर्बीज विचार है, जिसमें शरीर लेना नहीं लेना कोई दिक्कत नहीं है। भ्रम मुक्त विचार ही निर्बीज विचार है, अपने पराये से मुक्त विचार है। सर्व शुभ के अर्थ में जो विचार है वो निर्बीज विचार है। आपने परसों कहा था, विपिन भाई लिख रहे हैं, कि मानव का शरीर पशु के शरीर से आया, कृपया समझाइए। बढ़िया, ये तो थोड़ा समय लगेगा बट ठीक है, इसको दो मिनट में छोटा सा करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल्पना कीजिए, देखिए मजेदार बात है, मानव ही उन सारी चीजों को समझ लेता जिस समय मानव था ही नहीं इस धरती पर। कितना ब्यूटीफुल डिजाइन है आदमी के, क्योंकि मानव में वो तर्क शक्ति है। हम और आप यहां पर नहीं है, फिर भी हम कहते हैं एक समय इस धरती पर डायनासोर रहे होंगे, है ना। कैसे कह रहे हैं, क्योंकि जब हम खुदाई करते हैं जिस तरह की हड्डी के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, बहुत सारे तर्क लगा के और कुछ एविडेंस देख के मानव अपनी कल्पना में सारी सच्चाइयों को जानने की ताकत रखता है। तो कल्पना करें कि इस धरती पर पहला मानव कैसे आया होगा, या मानव के पहले पेड़ पौधे पशु पक्षी रहे ही होंगे, ये हमारी कल्पना में आता है, क्रमशः विकास को देखते हैं तो ऐसा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता, और डिटेलिंग में बात की जा सकती है, किसी समय करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे वो सारे प्रश्नों के फिर उत्तर होते हैं कि, है ना, जो पूछते रहते हैं लोग के मुर्गी पहले की अंडा, है ना। तो ये इसको यदि आप अपनी कल्पना को इसमें लगाएंगे, जो आज साधन भाई कह रहे थे सच्चाइयों को लगाने के लिए, कैस तरह से विकास क्रम हुआ होगा, विकास हुआ होगा, मानव जाति कैसे पदार्थ अवस्था से धरती कैसे, है ना, मिलियंस ईयर्स में यहाँ तक पहुँची है, तो ये आपकी कल्पना में ये सजीव हो जाएगा, है ना, तर्क में स्पष्ट हो जाएगा, है ना। और उससे क्या होगा, क्यों समझना चाहते हैं, इससे जीने में मदद मिलती है। क्या ब्यूटीफुल बात है, क्योंकि सारा अध्ययन मानव अपने महत्व को जानने के लिए कर रहा है, और इस अपने जो उसकी चिर वांछा है, जो वो चाहता है, इससे वो चाहता है कि हारमोनी में जी सके, परस्परता में। तो इसलिए हम सारा अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए भौतिकवाद भी, ये अस्तित्व कहाँ से उदय हुआ, चाहे वो उसको बिग बैंग नाम दें, है ना, चाहे हम आदर्शवाद में कहें कि किसी ने इसको किसी दिन निर्माण कर दिया, बट ये मानव में सहज प्रश्न खड़ा होता है कि यार ये सारा तामझाम इतना सब दिखाई देता है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस उत्पत्ति क्रम में मैं कहाँ से आ गया, है ना, मैं आ गया तो अब मेरा लक्ष्य क्या है, ये सारे सवाल की यदि हम सिंसियरली हमारे में खड़े होते हैं, इनके उत्तर पाए जा सकते हैं। बढ़िया, साक्षात्कार क्या है, तो साक्षात्कार चित्त में होने वाली क्रिया है जिसमें निरंतर सच्चाइयां पता लगती हैं। हर्षद भाई पूछ रहे हैं, हर्षद भाई नमस्कार। तो बिल्कुल, साक्षात्कार का देखिए तो चित्त में चित्रण द्वारा इच्छा जो हम करते हैं, तो मानव जीवन में दोनों तरह की सच्चाइयों को देखने की क्षमता है, जो निरंतर परिवर्तनशील सच्चाइयां हैं, इनको स्थूल भी कहा है, है ना। ये जल्दी से दिखाई देती हैं, जैसे बढ़ता हुआ पेड़, मानव का शरीर, है ना। तो हमें ये तो दिखता है कि माना हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन बच्चे में अंदर क्या घटना घट रही है, अर्थात उसकी आशा विचार इच्छाओं में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ये हमें दिखाई नहीं देता, उसके कार्य व्यवहार से हमें अनुमान लगाना पड़ता है। तो साक्षात्कार का मतलब है ऐसी सच्चाइयां जो इंद्रियों की सीमा में पकड़ में नहीं आती हैं, लेकिन ज्ञान की सीमा में हमें समझ में आ जाती हैं, जैसे जीवन का अमृत, व्यापक सत्ता का व्यापकता, है ना, और उसकी पारगामीयता, उसकी पारदर्शीयता, और अस्तित्व में किस तरह से पूरा का पूरा अस्तित्व किस तरह व्यवस्थित है, हर इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म, रूप और गुण जो है वो आंख से इंद्रियों की सीमा में, गुण का भी आंशिक रूप मध्यस्थ गुण आंख से नहीं पकड़ में आता, सम विषम जल्दी दिख जाता है। तो बाकी की चीजें जीवन में चित्त बुद्धि और आत्मा में, तो चित्त में साक्षात्कार होता है उन सच्चाइयों का जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ रही हैं, ज्ञान रूपी सच्चाइयां, और बुद्धि में अवधारणा या बोध, उसके बाद अनुभव, ये सब चीजें। तो साक्षात्कार में नित्य निरंतर सच्चाइयां पकड़ में आती हैं। बढ़िया, आश्लिष्ट शब्द सुबह के सत्र में प्रयोग किया गया, ये मुझे भी अभी याद नहीं है, उसको देखना पड़ेगा। आश्लिष्ट बेसिकली, अच्छा, साधन भाई ने यूज किया होगा, सुनीता बहन पूछ रही, आश्लिष्ट तो जो विश्लेषण में, है ना, जो लेयर्स हैं, जैसे छिलके ऑनियन की जो लेयर्स निकालते रहते हैं, ऐसे ही एक एक चीज का छिलका निकाल देना, है ना, मोस्ट प्रोबेबली ये मतलब रहा होगा इसका, माने एकदम उसका नीर छीर न्याय कर देना, या तर्क में एकदम स्पष्ट आ जाना, उसको आश्लिष्ट शायद शब्द यूज किया होगा। शशि कुमार तिवारी पूछ रहे हैं,
भैया जी इस स्ट्रीमिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, तो ओबीएस सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ, है ना, वो ओबीएस फ्री अवेलेबल ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर है, गूगल का ही है शायद, ये फ्रीली अवेलेबल है और अच्छा सॉफ्टवेयर है, इजी है। तो आनंद भाई कह रहे हैं कि ग्रुप स्टडी ऐसा लगता है संभव है विदाउट ट्रेवलिंग, बिल्कुल ठीक बात है। अमरीश भैया, भैया पाठक भैया के सेशन में एक बात आई थी कि सभी ग्रह आकाश में शून्याकर्षण में है, यह समझा दीजिए, क्योंकि सभी ग्रहों की अपनी ग्रेविटी है तो फिर शून्याकर्षण कैसे। बहुत ब्यूटीफुल, क्या बात है अमरीश भाई। तो सारे ग्रहों की जो गुरुत्वाकर्षण है वो अपने ग्रह की सीमा में है, जैसे मेरे ऊपर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, लेकिन जब किसी को हम सैटेलाइट में भेजते हैं उसके ऊपर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं लगता है ना। तो जब वो सैटेलाइट जब धरती के चक्कर लगाने लगता है उस स्थिति में उसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं लगता है, और धरती पर कोई, धरती एज ए होल पर कोई कोई आकर्षण नहीं लगता है, नहीं तो धरती किसी तरफ खिंची चली जाती, क्योंकि यदि आप सिद्धांत को देखेंगे तो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर है। तो विज्ञान और मध्यस्थ दर्शन जो बेसिक बात अंतर कह रहा है, विज्ञान ये कह रहा है कि इस छीना झपटी में बैलेंस बना हुआ है, मतलब कोई इसको यहाँ खींच रहा है, कोई वहां खींच रहा है, और सारे फोर्सेज हर समय कट जाते हैं और जीरो हो जाता है ना। बट यदि वो भी देखें तो कहे तो वो यही रहे कि इस पे इस समय कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इवन आप जब न्यूटन का है ना फर्स्ट लॉ को देखेंगे कि यदि कोई चीज चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए, है ना। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि शून्याकर्षण में जो गति स्थित हो जाती है वो हमेशा के हमेशा हमेशा के लिए अक्षुण्ण हो जाती है, निरंतर बनी रहती है। तो धरती का अपना कोई भार नहीं है, धरती का मास जरूर है ना, तो वेट नहीं है। क्योंकि वेट कब आता है, जब मैं कोई बॉल को, जो हर इकाई धरती पर शून्याकर्षण में है, सॉरी गुरुत्वाकर्षण में है, तो इकाई को जब हम रोकते हैं तो भार लगता है ना, लेकिन धरती चूंकि किसी की तरफ खिंच नहीं रही है इसलिए धरती का कोई भार नहीं है, इसका मास जरूर है, वेट नहीं है। तो इस तरह से सारे ही ग्रह गोल है ना शून्याकर्षण में है, भारलेस स्थिति में पाए जाते हैं। मानव के साथ व्यवहार होता है या मानवेतर के साथ, तो व्यवहार मानव के साथ होता है और कार्य मानवेतर प्रकृति के साथ होता है। तो चेतन भाई कह रहे हैं कि ऐसा क्यों, बात ऐसा क्यों की नहीं है, बात सिर्फ ये है कि न्याय और कार्य को हमने माने नामकरण किया है मानव ने। हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं मैं पेड़ के साथ व्यवहार कर रहा हूँ, गाय के साथ व्यवहार कर रहा हूँ, इसमें भाषा की बात नहीं है, घटना क्या हो रही है उसको पहचान लेते हैं। तो व्यवहार ये कह रहे हैं कि मानव मानव में जो मूल्य है, स्नेह विश्वास सम्मान, इसकी जो चाहत है उसको कह रहे हैं व्यवहार होना। हम मानव के साथ जब मूल्य विहीन ढंग से व्यक्त होते हैं तो हम मानव के साथ भी कार्य ही कर रहे होते हैं, और यही आज कल संबंधों में हमारी परस्पर पीड़ा भी यही है कि हम एक दूसरे के साथ कार्य प्रधान हो गए हैं, वस्तु प्रधान जी रहे हैं, ना कि मूल्य प्रधान, है ना। तो इसलिए जब मूल्यों के साथ जीते हैं उसको व्यवहार कह रहे हैं। चूंकि मानवेतर प्रकृति के साथ मूल्यों का आदान प्रदान संभव नहीं है, क्योंकि जो पशु जगत है, पेड़ पौधा है, उसमें वो ताकत नहीं है, है ना, कि वो स्नेह विश्वास सम्मान कृतज्ञता गौरव को व्यक्त कर सके। ये बात जरूर है कि मानवेतर प्रकृति में भी मानव के संपर्क में आने वाला जो पशु जगत है, जिनको हम पालतू बना लेते हैं, है ना, उनमें एक लेवल का आंशिक स्वरूप में इस तरह का भाव हमें दिखाई देता है ना। सीमा बेन लिख रही, इफ दिस इज ट्रूली सैड व्हेन वी थिंक डीपली अबाउट नेचुरल ब्यूटी एंड इट्स व्यवस्था बिकम्स ओवरब्लेंड, विच इज वेरी ट्रू, है ना। यदि हम इस तरह से व्यवस्था को पहचानते हैं तो बहुत ही सुंदर है। नीर चीर ने अच्छा लगा, नमस्कार, बिल्कुल धन्यवाद, है ना, बढ़िया। तो मुझे लगता है समय भी हो गया, और बिल्कुल राकेश भैया को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, विपिन जी के साथ हूं मैं, है ना। और कल के सेशन के बारे में बता दूं इससे पहले कि हम है ना बाहर आए, कि कल का सेशन सुरेंद्र पाल भैया का है। सुरेंद्र पाल भैया की अब प्रस्तुति बहुत ही गजब की है, और हम, मैं और सुरेंद्र पाल भाई, बाय द वे हम लोग कॉलेज मेट भी हैं, हॉस्टल मेट भी हैं, है ना। सुरेंद्र भाई भी IIT दिल्ली के पास आउट हैं और 87 बैच के, ये बात अलग है कि हम लोग, मैं और बाय द वे राकेश भाई भी है ना, इसलिए मैं कई बार उनको RG के नाम से बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग एक ही फ्लोर पर एक ही हॉस्टल के में रहे साथ साथ,
और राकेश के नाम से तो नहीं, बट आरजी के नाम से मैं बुलाता था हम लोग, मतलब जो निक नेम कर लेते हैं एक दूसरे का। तो ऐसे ही जो सुरेंद्र पाल भाई हैं वो भी कुमाऊं, बाई द वे हम लोग सब कुमाऊं हॉस्टल से हैं एक इत्तफाक है। तो सुरेंद्र पाल भाई भी उसी में थे, फिर मैंने गेल ज्वाइन किया, उन्होंने भी गेल ज्वाइन किया, लेकिन मैं उनको नहीं जानता था उस समय। शैल में हमारी मुलाकात हुई, तो सुरेंद्र भाई की बहुत ही गजब की है ना प्रस्तुति रहती है, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही सिंपल भाषा में। तो मेरा ये आप सबसे अनुरोध रहेगा, और आप और भी लोगों को बोलें सुरेंद्र भैया का सेशन कल अटेंड करें, है ना।